Assalamu alaikum, welcome to another episode of the Pakistan Experience. We have senior tajzia nigar. वैसे मैंने कभी जूनियर तज़े निगार मुझे नहीं मिला आप कभी नहीं दुनिया मिले में कभी नहीं मिले बंदा डायरेक्ट मतलब सीनियर पे ही प्रमोट होता है आई डोंट नो व्हाई दैट इज बट एनीवे मिस्टर ज़रार खुरो हाउ यू डूइंग दिस इवनिंग आई एम ऑल राइट क्यों आजकल आपको ट्विटर पे लोग बुरा बना के आजकल क्या वो तो डे 1 से हो रहा है उसमें कोई नई बात तो नहीं है पर आजकल आप काफी लोग आपको ओके बूमर कर रहे हैं आजकल कौन कर रहा है यार कहते हैं आजकल तो मैंने मतलब अबाउट 90% ट्विटर को वैसे भी म्यूट किया हुआ है तो मुझे पता भी नहीं होता कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं मैंने भी ये स्ट्रेटजी अभी रिसेंटली अपनाई है और मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है फिर पीपल आर लाइक तुम ट्विटर नहीं आई हैव नो देखें मतलब देखें इफ यू गोना इंसल्ट मी एटलीस्ट बी ओरिजिनल यू नो आई मीन किसी का कॉपी पेस्टेड लाइन लेकर इंसल्ट दैट्स जस्ट लेजीनेस यू नो तो आई मीन कोई क्रिएटिवली इंसल्ट करे आई माइट एक्चुअली अप्रिशिएट इट यू नो बट इफ यू आर गोइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट You know, something that just shows a paucity of the imagination. And that hurts my feelings. But you do a lot of trolls. Troll. Yeah, but I like to be original in my trolling. Na? Like, I mean, at least, I mean, at the very least, I mean, the subject of your trolling should appreciate that you made an effort. कोई अच्छा लगा था आपको ये मीन ट्वीट लाइक ये तो एक्चुअली अच्छा था हाँ दो तीन हैं लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहे लेकिन एक दो थे जो बड़े क्लासिक थे मेरा अभी किसी ने रिसेंटली लिखा था लाइक वाओ शहजाद यू आर सच अ गुड कॉमेडियन डिड यू राइट बुलबुल आई वाज लाइक वाओ ये सरकास्टिक था लाइक दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक अ बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट दो आल्सो यार आई मीन नहीं मैं इंसल्टेड फील किया आप इंसल्टेड फील कर रही है आप पर है ना यार यू नो एज अ थेरेपिस्ट वुड से कि दैट्स जस्ट योर रिस्पांस टू इट यू नो हो सकता है ही वाज डूइंग इट फ्रॉम अ गुड प्लेस तो ये आप कैसे पहुंचे टू दिस लेवल बिकॉज़ मैं जेन्युइनली एज अ पर्सन बिकॉज़ बीच में अभी फेब में जब मैं ट्रोल हुआ था काफ़ी ज़्यादा तो मुझे काफ़ी बॉदर किया था एंड इट टुक अ टोल ऑन मी फॉर वंस आई मीन इट हैज़ नॉट बिफोर दिस तो मैं ज़रा परेशान हो गया था कि क्यों हुआ मेरे साथ इस दफा व्हाई डिड इट सीप इन होता है तो फिर क्या करते हैं आप कुछ नहीं करते यार मतलब यू जस्ट कैरी ऑन और क्या बट यू डोंट इवन गेट एन ऑफ टाइम राइट और डू यू लाइक बी लाइक ठीक है मैं अब सोशल मीडिया थोड़ा टाइम छोड़ रहा हूँ नहीं मैं छोड़ देता हूँ बीच में फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम एक दफा तो मैंने 1.5 महीने के लिए छोड़ दिया था यू नो सो हाउ डू यू गेट योर किक्स देन Well, I mean, I can't really say that on air, can I? You know, I mean, it's same mostly tha. Illegal, definitely immoral, you know, so, I mean, you can, no if comment. It's up to you. I'm not going to stop you. My idea for vacation is a staycation. ठीक है ना इफ यू जस्ट लीव मी एट माई हाउस मतलब काउच पर यू नो तो मैं आराम से मतलब टीवी देख लूंगा या किताबें पढ़ लूंगा सो फॉर मी दैट्स प्रीटी मच अ वेकेशन डू यू इंसेसेंटली वॉच द न्यूज़ योरसेल्फ आई नेवर वॉच द न्यूज़ नेवर वॉच नो आई नेवर सो वेयर डू यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन गेट योर इंफॉर्मेशन लाइक ऑन वेरियस सोर्सेज ना आई मीन आई फॉलो ऑल द वेरियस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ट्विटर सो आई गेट स्टफ फ्रॉम दैट देखो द न्यूज़ आई विल ओनली वॉच इफ देयर इज सम मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ ठीक है अदरवाइज आई डोंट नीड टू नो कि भाई शरियार अफरीदी ने एक बार फिर कहा है कि जान अल्लाह को देनी है मतलब पता नहीं आई डोंट नो आपने इबलीस को देनी है मुझे तो नहीं देनी नहीं। तो मतलब पॉइंट इज के आई डोंट नीड टू नो दैट ठीक है ना आई डोंट ऑल्सो नीड टू नो कि अब मुराद सईद क्या कह रहा है या अब मतलब बिलावल भुट्टो ने कितनी दफ़ा सेलेक्टेड कहा है दिस इज न्यूज़ दिस इज स्टेटमेंट जर्नलिज्म हाँ और बड़ा आसान होता है बड़ा आसान होता है मैं मतलब शहजाद से एक स्टेटमेंट निकाल लूँ यू नो इन साहब के बारे में जो अभी ऑफ स्क्रीन बैठे हुए हैं यू नो फिर मैं कहूँ इन्हें कहूँ कॉल करके कहूँ कि यार आपने सुना है शहजाद ने आपके बारे में क्या कहा है तो मेरी तीन हेडलाइनें यहाँ बन जाती हैं एंड आई डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट फॉर इट सो इन दिस एरा ऑफ फेक न्यूज़ दैट वी लिव यू आर वेरी गुड एट कॉलिंग इट आउट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स योर टैग एंड सब इन लाइक दिस इज नॉट ट्रू सो हाउ डज दैट हैपन लाइक हाउ डज वन स्पॉट फेक न्यूज़ But it depends on the fake news, na? Depends on the fake news. I mean, like, for example, ye every once in a while, somebody will take out this BBC news report about the most corrupt political parties in... I mean, wo to matlab ek glance par aapko pata lag jata hai. Yeah, na, yeah. Har saal Diwali pe India ki tasveer... India from the sky, wo bhi lit up. Haan, wo bhi ho jata hai. I mean, bahut is tarah ke bahut examples hai. If you keep your eye on the news, it becomes easier. To determine, you know, because you're like, you know, I remember this picture was used in this context, so this obviously can't be the case. Obviously, it's becoming more sophisticated now, yeah. you know, so it's going to become harder and harder. I mean, abhi to aap deepfakes ka wait karo. So, usne jo karna hai na aapke saath,
that is going to be on another level. I actually think better ho jayega. You think so? Kaise? Because I right now we still have that veneer of objectivity. Ke koi agar bhi fake London Times banakar website banakar news lagde, wo viral ho sakti hai. Ji. I think once we live in a world where we realize everything is fake, that burden of truth might just be heavier. You're not going to share every single thing. Think so. I think you're I'm giving people too much credit. I think you're giving people far too much credit. And one thing you can never go wrong with is that the majority of people are venal and generally prone to self-destructive behavior. But that's the world we've grown up in. That is the world that everyone has grown up in ever since the world has existed. If the next generation grows in ke wo apne phone pe ek app se deep fakes apne ek dusre ke bare mein bana rahe hain. As jis tarah TikTok ban rahe hain, us tarah ke ek dusre ke deep fakes unke phone mein ban rahe hain, they might not trust a video right away which comes online. I don't think so. But you see, that'll go for accurate videos as well as for fake videos, right? So the only thing that the people with purveyors of fake news, and I mean, we use the term fake news, I think it's become really overdone now. It's propaganda. It's simply propaganda in a different form, right? I mean, with a different vector and a different medium. Propaganda is as old as humanity. Absolutely. And you will always find people who will believe in it. And the people who are purveyors of that propaganda, right? They don't have to convince you, na, Shahzad. All you have to do is confuse you. And if you achieve that purpose, you have done your job. Okay, Goebbels. No, but that's how it is. No, yeah, that's how it is. Goebbels was right. Yeah. Goebbels is a genius. If Goebbels had been around these days, he would have been like, yeah, that's what I'm talking about. Ek unke naam se pehle kuch lag jata, bas major ya kuch. Well, I mean, nahin bhi lag sakta. Nahin bhi lag sakta. Thay na wo. Yeah. Thay to general to thay wo. He was not a serving member of the military. He was the minister for propaganda. But he was not a serving member of the military. But that's a technicality. And eventually, I think he got a rank. वो तो यार वो तो bunker में तो कोई एक बहुत major rank मिल गया था. Bunker में तो वो कुछ भी दे सकते हैं ना यार उस वक्त तो वैसे तीन ही तो लोग थे. उस वक्त आपके लगने वाली थी. उस वक्त आप field marshal बना दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. In general, अगर लोग कुछ सुन रहे हैं and they just want like some tips के fake news spot की ये कुछ dead giveaways होते हैं. They might not have the breadth of knowledge that you have की तस्वीर मैंने देखी हुई है. There are digital tools. Okay. I mean, if we're talking about the picture, so there are ways to search that. Google search the image. Image search, kar lo, Tinai, kar lo. Bahut aur services hain. Video ke bhi services hain. Now, there's an Amnesty International ka ek scanner. There's Invid, which is an app you can get for Chrome. You can do that. But I mean, look, the best way to... If fake news is a virus or a disease, right? So the vaccination is reality, na, and actual news. So the point is that you have to do your own research. Nobody's going to spoon feed you. But that's what you're saying, confusion. Hai. The confusion is so feed that the ground to stand on is that if I'm standing here, this is true, what's in front of it? That ground's been removed. Again, this is all very situational, na? And it's all very case by case. So, I mean, there are some pieces of fake news, like you are London Times wali baat kar rahe ho, theek hai? Wo dur se matlab itna bada siren hai ki main jhooth bol raha hu, main jhooth bol raha hu. Bahut ek sophisticated operation bhi hota hai. Aur phir aapke internal biases come into play, na? Like if I don't like XYZ party, to unke khilaf main kuch bhi sunne ke liye taiyar hu, main manne ke liye taiyar hu. Agar mujhe wo pasand hai, to mere samne aap ek saboot ka pahad bhi khada kara do, main kahunga nahi, main manne ke liye taiyar hi nahi hu. So ultimately it comes down to human nature, na? And isme we're not even having that discussion jo propaganda wali baat hai ke even agar let's say you think New York Times is credible, which at least they have a journalistic integrity. Fair enough, yeah. But they have a tinge. They very much so. They have a bent. Very much so. So then that idea that aap jo keh rahe hain ke pata kar lein, kahan se pata kar rahe hain? Sabka hi to koi na koi ek. Dekho, ab now we have to distinguish between out and out fake news out and out fake and bias or leaning. Ji, PTI voted best government in the world. Out and out fake news. Red flag, China jitna, you see it. Theek hai. Articles is tarah se likhe hue hain ke ji PTI economic been heralded by world lead. Article is tarah likha hua hai, you get it, right? That's easier. We're more like propaganda. Nee, I mean, dissecting bias is a lot harder. Yeah. Achha, usme aapko ek ye masla bhi hota hai ke aapko phir har jagah bias lagne lag jata hai. Sometimes where it doesn't exist, you see. But can it not exist? Nahin, objectively, obviously, there will always be some element of it. But everything is a question of degree, na yaar. Dekho, I mean, for example, yahan pe aapke baad likha hua hai no smoking.
या इस दीवार पर पान थूकना मना है, मैं वहाँ पे पान थूक दूँ, टेक्निकली आई एम वायोलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, इफ आई वर टू टेक एन ऑटोमेटिक वेपन एंड लाइक शूट यू ऑल डाउन राइट नाउ, आई एम ऑल्सो वायोलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट देयर इज अ डिफरेंस इन डिग्री एंड अ डिफरेंस इन स्केल. उस स्केल में फिर शायद आपको गवर्नमेंट गेस्ट बना के बुला ले, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यू नो. तो एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री फॉर मी ना यार. You know, but कुछ हैं कि यार चलें ठीक है बायस है, बट ये पब्लिकेशंस फिर भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं कुछ हद तक. कौन कोई अगर नहीं, आई मीन इट डिपेंड्स कि आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं. आई मीन वैसे ग्लोबल हमारे यहाँ तो नहीं, देखो बीबीसी की अपनी बायस है, यू हैव टू डाइसेक्ट इट. ठीक है ना, आई मीन बाय एंड लार्ज आई विल से इट इज स्टिल अ क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आई मीन हम ये भी करते हैं ना कि अगर बंदे ने मतलब 100 चीजों में से अगर 99 सही किए, एक गलत किया, ओके ये देखो, यू नो वो हो जाता है यार. यू नो आई मीन न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर एग्जाम्पल heavily biased in favor of Israel. You, that is clear. I mean, agar aap during the Gaza conflict, aap unki headlines hi padh lein, two Palestinian children go to the beach, find death waiting for them. Nahi bhai, Israel fired an artillery shell at them. This is not death waiting for them, ke death wahan pe apne lounger pe baithi hui hai, pina colada pi rahi hai, oh, assalamu alaikum, yaar, I was waiting for you. No. They were targeted and they were killed. You know, so that obviously, aur unki sahi hai, matlab, zaban maaf hogi, li bhi theek thaak gayi hai in cheezon par. But there is that, there is very much there. It's all there, it's all over the place. Then you have some organizations that, you know, jinka matlab bunyadi jhoot hai. Fox. Fox, you can make an argument for, you can make even make an argument for state-sponsored media outlets. Isn't like, BBC state-sponsored? The BBC is in a bit of a gray area. Okay. I mean, again, BBC again has its issues. During the Boris Johnson campaign, you could see those issues. I'm talking more about Press TV, Russia Today. Okay. Okay. Sputnik. Huh? Even RT does some really good work. देखो अगेन ये होता है ना, देखो व्हाट प्रेस टीवी, द मिस्टेक प्रेस टीवी मेक्स, इसके वो सिर्फ एक काम करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेस्ट भी डालना होता है, यू नो, टू मेक इट लिटिल बिट गो डाउन लिटिल बिट ईजियर. और भी है, आई मीन फॉर एग्जाम्पल मोस्ट सऊदी रन news agencies, they will report one thing. ये तो आप बिल्कुल ही एक extreme example, Saudi बेचारे, आप मैं आपको state sponsored की बात कर रहा हूँ. Saudi बेचारे channels क्या ही report कर सकते हैं? नहीं, they do, they try it. Don't underestimate the influence in the Arab world. I'm not that well versed in Saudi journalism. Then you have, of course, you know, Indian mainstream media, which by and large is a fake news factory. ये अब इतना पागल अब हो गया है, ये हमेशा से था और हमें हमारी नजरों में नहीं था. यार अब ये बड़ा अच्छा सवाल है. And I've actually wondered about this. Ke, like, you know, क्या ये हमेशा इतने चरिए थे? Answer me, Zarrar. You are on my show. You will answer. No, you will listen to me. You will answer me. No. I mean, answer. I mean, कौन है ये लोग यार? You know, is Pakistan a terrorist state? नहीं, I mean, is Pakistan. If you have ever wondered कि what would happen if you gave a bunch of chimpanzee crack cocaine, this is what it would look like. This is what it would look like. But मजे की बात ये, हमारे चैनल ये देखते हैं और बोलते हैं ये मॉडल है. नहीं, मेरे नहीं ख्याल, ये करेंगे हम कोशिश भी करें तो हम उस मॉडल पर नहीं चल सकते. काफी हमारे, I think, नहीं, हमने वो दो नंबर की कॉपी है. बोल पे काफी शोज उस फॉर्मेट पे आते हैं. बोल को देखता भी कौन है यार? हमें भी कुछ गुड़ सिखाए यार. नहीं, लेकिन देखो दैट मॉडल थैंक गॉड हैज नॉट रियली सक्सीडेड इन पाकिस्तान टू दैट एक्सटेंट जैसे आप इंडिया में देख रहे हो यार. वो तो पागलपन है. I'm sure there are pockets in India who also are like ये पागलपन है. Like he's a national joke. I'm sure pockets होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉकेट है जो फिर मानती भी है ना, वो वही पॉकेट है जो भी बीजेपी को वोट देती है. तो हमारे यहाँ भी तो है ना सर. अगर सर आमिर लियाकत इज ऑल्सो जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान. Who the heck calls him a journalist? He does a journalistic show. Yeah, he does a show that does not make him a journalist. Not the Ramzan show, but Bol pe to unka nightly news format pe aata hai. First of all, then we'll have to redefine journalism. Theek hai na? I mean, is tarah to matlab ye jo road pe baithe hote hain, sande ka tel bech rahe hote hain, उनको क्या आप मेडिकल प्रोफेशन में तो नहीं जोड़ेंगे ना बॉस? बट इफ इफ दे वर वन ऑफ द लीडिंग जिनके पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स जाते हैं एट अ बिग हॉस्पिटल, अगर वो आगा खान में बैठे होते हैं और उनके सबसे ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, आगा खान में तो नहीं बैठे हुए ना बॉस? तो वो एक चैनल पे 9 बजे बैठे हैं. लेकिन वो चैनल आगा खान वाला चैनल तो नहीं है ना यार, वो फरजाना दवाखाना भी नहीं है बॉस. ठीक है ना, तो आई मीन फॉर अस, but maybe for a segment of society it is. No, but I don't care what that segment of society says because you can't. It's a large segment. You popular, so so what? Look, yeah, dekho, I mean, you put porn on TV, yeah, right?
A large section of the population will watch it. Does that make it journalism? Right? I don't think so. But if it's not pretending to be, right? Like, that show is pretending. What if it's called pretending to be journalism then? If enough people believe... Like a naked banker doing a show. If enough people believe that is journalism, that's a problem. I don't... Yeah, that's a problem, but that doesn't make it journalism. If enough people believe that it's night out right now, it does not make it night. So I'm going to have to strongly disagree there. Psychiatrists hain, jinke paas exact ki degree hain. Are they psychiatrists? No. No. Do they posit as psychiatrists? Yes. Yeah, but... That's a huge problem, but, yes. But they are not psychiatrists. Therefore, he is not a journalist. He's not. In, matlab, lekin, main yeh toh keh raha hun. Awam toh maan rahi hai na. Awam toh maane, mama maan le yaar. Adi awam aapki yeh bhi maanti hai ki Neil Armstrong ko azan sunai di thi chand pe, wo bhi sach hai phir. Dekho, sach nahi hai, nahi, but yeh masla hai. To masla toh kaun keh raha hai, nahi hai yaar. But I mean, again, the concerns of what the masses believe or they do not believe don't really concern me. Frankly speaking, I generally tend to have a low opinion of most people, you know. Dangerous nahi hai ye. Agar like, yeah. For instance, agar bol ek show karta hai ki ji Jibran Nasir to Yahudi agent hai, kafir hai, dangerous hai. To ye to unki jaan pe khatra hai. Of course dangerous hai. Of course dangerous. To isko kaise combat karein? Well, I mean, technically it should have been done through Pemra, but Pemra is not concerned. I think koi notice voters gaye the, hearing bhi hui thi. You know, but... I don't think much came out of it. Achha, main, daily show, maine pitch kuch channels ko kiya tha kaafi. And the feedback I got were, they were like, we, apart from the two big ones that time, Jio Airway the. Ji, ji. All the other channels are sort of like, we're not going to go after each other. So sort of tacit understanding. Is that your feeling? Well, we've done it. We've done it. Like, I mean, if some channel majorly screws up, we've gone after, we've not gone after it, but we have certainly like run it. And then, of course, sometimes when, you know, some channel does something really, good. You know, praiseworthy, you know, and if we're running their stuff, it'll obviously run with due credit. You know, it again, it all comes down to degree, na? It all comes down to a question of degree. Ki kab karna hai, kaise karna hai, kya mauka hai, kya nahi mauka, you know. But it's not like... Jaise, for example, abhi ye Qasim Soleimani ka jo scene hua hai, right? There was this viral footage, you must have seen it. Call of Duty wali. Well, actually, AC-130 gunship simulator. Achha. Maine bhi originally socha tha ki Call of Duty Modern Warfare ki, I played that mission. Yeah. It looked exactly like that. But it's from AC-130. First time it was used by the Russian Ministry of Defense, by the way, in 2017. So, now, if some Pakistani channel had run that, claiming ki ye humare paas exclusive footage aayi hai, right? So, obviously... Quite possible. Nahin, Indian channel ran it, ABP. But, shukar hai, ab tak kisi Pakistani channel ne nahin chalai. Humare to Prime Minister sahab ne bhi ek video post kar di thi na recently. Haan, that was an inadvertent mistake. Bangladesh ki rapid action force ki video post kar di thi. But, aap jo bhi beech... Achha, wo bhi, by the way, pehle humari channels par hi chali thi. Galat. Phir uski ek tardid bhi aayi thi. From Geo, I think, this was the wrong footage, we ran it. I think that whoever was handling the Prime Minister's... account clearly didn't do his homework very well. But that's the problem. If the Prime Minister's office, not to say ke bahut inept log wahan bhi nahi honge, if they're falling for this stuff, to aapke ek maybe pehle understanding thi, I don't know whether true or false, ke jis CNN pe agar aa gayi hai, to you don't need to research it anymore. You don't, haan, generally. At least kuch had tak you can... Claim it. कि यार मैं अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो मुझे कहता है ये आपकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये कह रही है, you're like ठीक है। ना मैं कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा है ये। मैं जाके नहीं किताबें पढ़ूंगा या मैं जाके नहीं रिसर्च करूंगा कि सीटी स्कैन क्या कहता है। सो अगर CNN कह रहा है जिनका काम है वो कर चुके हैं। अगर क्रेडिबल सोर्स से आ रही है तो डेफिनेटली बर्डन तो ये है कि भाई हाँ यूजुअली वो दुनिया अब खत्म हो चुकी है कि सो इवन इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सॉ इट ऑन टीवी एंड वाज लाइक ओ ये टीवी पे आई हुई है एंड पोस्टेड इट बट इट वाज जस्ट टू द एक्सटेंट वेयर जो आप कह रहे हैं वीडियो सर्च करना तो आसान काम है तो चैनल पे किसी ने इतना भी नहीं बॉदर किया कि मैं एक वीडियो देखो चैनल से गलती हो गई ठीक है एंड देन दे आल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर इट लेटर दीज थिंग्स डू हैपन मतलब आई हैव सीन देम हैपन ऑन जस्ट अबाउट एवरी न्यूज चैनल बट इट्स इन दैट हेस्ट कि जी हम पहले डाल दो और फौरन डाल दो इसमें यही होता है एंड देखो स्पेशली आप देखेंगे कि ना कि जब कोई बहुत बड़ा वाकया हो रहा होता है यू नो तो देन अ लॉट ऑफ पीपल थ्रो दीज वीडियोज इन सिंपली टू मडी द वाटर्स ठीक है ना जैसे ये मैंने देखा है और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई नून लीग का कोई जलसा है सो देयर विल बी सम एंटी नून लीग अकाउंट्स प्रिटेंडिंग टू बी नून लीग अकाउंट्स और वो तुम्हें मतलब यू नो फिडेल कास्ट्रो के जनाजे की तस्वीर लगा देंगे आई मीन नोइंग दैट समबडी विल कॉल देम आउट एंड से दिस इज फेक
and, you know, blame their opponents for it. So, I mean, it's false again, flag operation. False was... flag, catfish, jo bhi aap kehna chahe, you know. To ye bhi ho raha hai na. So, some people are in there just to do that, you know. Jaise ab mujhe yaad aata hai ke ek parody account tha Rauf Klasra ka, theek hai, which was posting pictures of the Versailles Palace. Saying ki ji ye Nawaz Sharif ki apartment matlab ek koi Saudi apartment thi jisme matlab you know wo matlab commode bhi sone ka hai aur fir ek Versailles ki apartment hai aur fir kahin aur idhar udhar se and I remember now I'm drawing a blank on his name Babar Awan lawyer slash minister slash you know one time talk show host, yeah. One time talk show host. Analyst hai, I think. Wo, jo, wo, ek unka show bhi tha. Toh, wo, 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 kya kehte hai, Baba plus Munni format jo hota hai na, ki matlab, you're the wise man, and there's this girl sitting there, like, nodding her head at you, and generally saying ke break ka waqt ho gaya hai. You know? Toh, usne wo actually chala diye. You know? Tasveerein. Achha, ab us account ne wo dali is liye the, taakhe log bewakoof ho jaye. You see? So, you know, there's, like, works on several layers now, yaar. It's interesting. What does one do then? ये तो आपने बहुत एक grim picture post की है and मेरी जो hopefulness थी उसपे भी आपने पानी फेर दिया. Yeah, I don't do hopefulness as a general rule. It's just grimness. That's the reality of things, ना यार. But and you think it's just happening because we're stupid? It's not by design. It's not like. No, it's a bit of both. It's designed because we're stupid. It's designed because the vast majority of people will believe what they want to believe. So. Do you think the institutions have realized that that old format that you have one channel which reports and everybody believes is but that's not long, going to work that's anymore? That's long gone, yeah. So now the format is just muddy the waters as much so that it doesn't matter what it... Largely, yeah. So, jo Dawn ka brought down, is that a huge part of that? Just brought just, down, matlab? I mean, there's a campaign against Dawn to ke... सालों से है कोई नई बात नहीं अब ज्यादा है हाँ ये सदियां भी गुजर जाएंगी किसी दिन थोड़ा बट डू यू थिंक लाइक थोड़ा न्यूज़पेपर इटसेल्फ हैज बेंट अ लिटिल बेंट एज इन गिवन इन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाउ जस्ट टोइंग द लाइन अ लॉट मोर लाइक व्हिच लाइन You have to give me a specific So for instance, if Cyril's not doing a column anymore, Cyril ke khilaaf to ek puri... Well, Cyril to himself said that he's not writing a column anymore. Na. I'm not privy to what may or may not have happened behind the scenes there. So I really can't say. Chale, ek macro, individuals ko hata ke, ek macro hum level le le. Abhi humne beech mein baat ki, chale, New York Times, Washington Post. Pakistan mein... Dawn is probably the most credible. I can say that because maybe I'm not biased. Okay, fair enough. Aap disagree? Nahin, I don't agree. It'll be very weird for me to say something like that. Yeah. Haan, isliye main keh raha hu ki main keh sakta. Main nahi keh sakta. Haan. To agar strategy thodi by design ye hai ki muddy karo water. So if there's one clean pond, you need to break that na. Obviously, ke ye separate now. Haan, that would be a good strategy, definitely. If it was to happen. If it was to happen. Then that would be the way to then do it. Then that would be the way to do that it. That would be the way yeah, to yeah. do it. Hypothetically. Hypothetically. Aapke kal parson bade I told you so tweets aa rahe the. Haan, I just like doing that. I told you so. Haan. To you weren't disappointed with the... I mean, hona to yehi tha, obviously. Hona yehi tha, yaar. Hona to yehi tha. Hona yehi tha. Dekho, yeah, the signs were all there. ठीक है my tweets were really more focused I mean थोड़ा सा तो वो क्या कहते हैं ना जैसे हमारे जर्मन भाई बोलते हैं श्कार्टन फ्रॉयड हाँ फैमिलियर विद दैट टेकिंग प्लेजर इन अदर पीपल्स मिजरीज थोड़ा सा तो वो था बड़े नाराज हैं लोग आपके उस पे हाँ कोई बात नहीं होने दो सीनियर जर्नलिस्ट इज ट्वीटिंग अबाउट आई टोल्ड यू सो ही नीड्स टू शट अप एंड आई रिप्लाइड टू दैट आई वाज लाइक नो एंड आई पुट अ कपल स्माइली फेस इमोजीज विद इट क्यों व्हाई आर यू किकिंग पीपल व्हेन देयर डाउन दैट्स द बेस्ट टाइम टू किक पीपल नो आई मीन इट्स द बेस्ट टाइम टू किक पीपल इज व्हेन देयर डाउन You don't kick people when they're standing up. They could hit you back. Was you there, kick people when they're down, preferably in the temple. Was there a moment for you where, like, aapki disillusionment hui thi? Because I feel like ek Jiala generation thi, ek phir PTI generation thi. Dekho, every cynic is a disappointed idealist. Yeah, yeah. Otherwise, why would you care? Yeah, absolutely. Why would I care at all, right?
But increasingly, I've realized, and this is just me, I don't expect anyone else to subscribe to that. And this goes more for my colleagues, like, you know, people who are in the field of journalism or in the field of analysis, that when you are, for example, doing a political analysis, right, or any kind of analysis, I mean, it's difficult to predict what's going to happen in the future, granted, right? But you have to switch your heart off. I mean, what Zarrar wants to happen is irrelevant, right? What Zarrar thinks should happen is also irrelevant. If I'm writing about what will likely happen, तो मुझे अपने इंटरनल लाइक्स और डिसलाइक्स को जितना मैं मिनिमाइज कर सकता हूं मुझे करना है, अदरवाइज आई विल गो रॉन्ग. एंड दैट इज व्हाट यू सॉ हैपन टाइम एंड टाइम अगेन. मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च था, ठीक है, वो मुझे नहीं समझ में आया कि ये लिबरल सपोर्ट, मुझे भी समझ में नहीं आई. आई गेट इट कि आप इतने डेस्परेट हैं, एनिमी ऑफ माई एनिमी, कि आप इतने डेस्परेट हैं कि यू विल बैक दिस बिकॉज यू फील दैट दिस इज योर ओनली होप. नाउ दैट्स फाइन, ठीक है, पेंटेड इन लिबरल कलर्स. नहीं, पेंटेड, इवन इफ यू वांट टू पेंट इट एज लिबरल कलर्स, डू इट, बट डोंट कंफ्यूज दैट विद ए जर्नलिस्टिक एनालिसिस. इट इज नॉट, ये तुम्हारी दिल की आवाज है, तुम्हारे दिमाग की आवाज नहीं है. एंड नेवर कंफ्यूज द टू. हाँ, योर हार्ट इज अ लायबिलिटी एनी टाइम इट कम्स टू मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एनालिसिस. यू डोंट एनालाइज फ्रॉम हियर, यू एनालाइज फ्रॉम हियर, मैन. You know, and that is the mistake you make. If you did, anybody did an objective analysis, toh PTI ka dharna kitne din chala tha yaar? 140? Aisa hi tha na kuch? Hakumat giri? Nahi. Hakumat nahi giri, right? In logon se kya hona tha yaar? when they entered Lahore, the Noon League didn't show up. What was that telling you? But isn't that what the conspiracy theory is? Ki wo agar Nawaz ko bahar nikalna tab ho gaya kaam. No, I don't think so. Because even the PTI dharna and Tahirul Qadri every year, jo I think unhone retirement le liya ab. Ji. Was used not ke ye government giregi. Lekin yahan par dekho, we have to look at the stated objectives of this dharna na. ठीक है, देखो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स. अब हम स्पेकुलेशन में आ गए हैं. स्पेकुलेशन में मैं भी कुछ कह सकता हूँ, स्पेकुलेशन में आप भी कुछ कह सकते हैं. इनफैक्ट द पब्लिक एट लार्ज हैज द लग्जरी ऑफ स्पेकुलेशन. लेकिन जहाँ तक हम आज़ादी धरने की बात, आज़ादी मार्च की बात करें, वो तो डे वन से लग रहा था कि यार ये अगर एक हफ्ता चल गया तो बहुत बड़ी बात है, यू नो, बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं थी, सोलो फ्लाइट थी, ठीक है. और दूसरी बात है कि एक बड़ा सिंपल एनालिसिस था कि ये मोमेंट दे गेट देयर, इन लोगों ने शुरू कर देना है ब्लास्फेमी पे, हतमे नबूवत पे, क्योंकि इनकी टारगेट मार्केट जो है वो कौन है, अपने ही बंदे हैं ना, तो उनको अपनी बंदे की ज़बान में बात करेंगे, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की बात तो नहीं करेंगे ना यार. हाँ, वो तो हमारे यहूदी एजेंट है, वो हाँ यहूदी एजेंट है, इसने आसिया बीबी को छोड़ दिया, मुमताज कादरी जिंदाबाद. अच्छा, अब इस तरह की हालत में क्या पीपीपी उनके साथ शाना बशाना खड़े हो सकती है? बिलावल वेंट टू द रैली, वेंट एंड गया ना, वेंट एंड गॉन ना, बेसिकली पीपीपी का था. आई वाज डिसअपॉइंटेड इन हिम फॉर इवन गोइंग. वेल, अ लॉट ऑफ पीपल हैड दैट आर्ग्यूमेंट, सो ही वाज प्लेइंग बोथ साइड्स अगेंस्ट द मिडल. ही वाज लाइक, यार देखो, बिल्कुल ही अबैंडन नहीं कर सकते, थोड़ा सा जाके वहां पे सर खड़े रहो, हम आपके साथ हैं वाली गेम, और फिर निकल जाओ वहां से, बिकॉज इन एग्जैक्टली वन डे यू न्यू व्हाट रोड दे वर गोइंग टू गो डाउन. सो आई मीन अगेन, एन इम्पार्शियल लॉजिकल पॉलिटिकल एनालिसिस वुड शो यू दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. और जब नून लीग डिडंट शो अप लाहौर में, तो आपको क्लियर था कि यार उन लोगों ने अपनी कोई साइड की डील पकड़ ली है, यू नो. वेदर मौलाना प्लेड अ कैटलिस्ट इन दैट रोल और डिड नॉट प्ले अ कैटलिस्ट इन दैट रोल, वन कैन डिबेट दैट. स्कूल के फड्डे की तरह था, वी लाइक हां तू आगे जा, सब तेरी बैग, बेसिकली एग्जैक्टली सब है तेरी बैग, तू जा बस. हां, ये 100% यही गेम हुई है. फिर वो वहां गया, उसने कहा कि यार ये मतलब यू नो किधर है यार ये लोग. फिर उसने कहा कि यार चलो हम भी कर लेते हैं. तो हम तो कुछ मानते क्यों नहीं है? तो मौलाना साहब की तो एक हिस्ट्री है, एक पूरी लीक्ड मौलाना साहब को अगर कश्मीर कमेटी पे आप बिठा देते तो बहुत सी धरना ही नहीं होता कभी. ये भी एक उसको बस थोड़ी अहमियत दे दें. Yeah, but you see now, here's my problem. How do journalists who have studied the politics of this country for 30 years not know that?
I don't think a lot of our journalists study history. No, they have lived this history. There's no way they could not know it, yaar. ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा बट बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं दे नो दिस लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड यार हाँ वो बड़े हुए हैं ये चीज़ देखते देखते क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हकीकत के ऊपर मबनी कर दिया है एंड यू शुड वो तो आई थिंक अगर मुझे लग रहा है जो जर्नलिस्ट क्या बात कर रहे हैं वो तो अपना आई थिंक दिल की भड़ास निकालने गए थे स्पीच देने वही है ना यार वही है देखो तो सब बट दैट्स नॉट योर प्लेस बॉस I'm sorry to sound old-fashioned about this. That is not your place. It is not the job of any journalist to be standing at the platform of a political party or a political movement and giving a speech. That is, I think you lose that is not what you do. You can be a journalist. You can be an activist. But at some point, now there is a division between the two. And the worst thing is you compromise your own credibility. It's done. I think at this point, to unhone. Allah janta hai yaar, duniya badalti rehti hai, boss. किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते आप नहीं राइट ऑफ नहीं कर रहा मैं बट आई थिंक ही व्हाट यू आर सेइंग ही नोज दैट टू बी ट्रू बिकॉज ही इज सेड दैट हिमसेल्फ अच्छा आई मीन इन मे बी नॉट दोज एग्जैक्ट टर्म्स अच्छा ही समथिंग बट जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी एक जर्नलिस्ट क्या होता है इट्स नॉट दिस इज नॉट न्यूज़ टू हिम देयर हैज टू बी यू कांट देखो एक जो मेजर रूल हमें जो हमेशा सिखाया गया कि डोंट बिकम द न्यूज़ यार ठीक है ना दैट्स नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग यू नो तो इसमें आपकी बेहतरी है आई थिंक आपने क्वेश्चन डिफ्लेक्ट कर दिया आपका कौन सा मोमेंट ऑफ डिसिल्यूजनमेंट था यार मैं एक होता तो मैं बताता ना यार एक तो कोई मेजर होगा नहीं कोई इतना मेजर नहीं है आई कांट रियली पिन पॉइंट वन थिंग यू नो बट द मोर आई लर्न द लेस आई बिलीव वाज देयर मोमेंट ऑफ जेन्युइन होप इन यू आई थिंक देयर हैव बीन सेवरल बताएं मैं बहुत 1988 फॉर एग्जांपल द फर्स्ट बेनजीर या फर्स्ट बेनजीर गवर्नमेंट I know, like, you know, now it'll sound incredibly idealistic to people, but you have to remember where we were then. Na, absolutely. Yeah. You know, we had just come out of, you know, over a decade. I mean, I'm a Zia boy, right? I grew up in those times. And suddenly, you know, it was as if, like, everything has suddenly changed, you know? It was as if, the color of the sky had changed, you know? I mean, it was... I'm not going to, you know, I can't downplay what a seismic historic event that was, you know, Zia dying and then, you know, elections being held or jaise bhi, you know. And then, you know, I mean, everything that followed, then the musical chairs and then, of course, the, you know, I mean, Zia ki bakiyat bhi to thi na, uska koi scene nahi hai. So, you know, slowly, slowly process hoti hai, yaar. You don't really, I mean, I can't, you know, wo film ya kitab ki tarah nahi hai ki wo din tha, you know, jiske baad, you know. It comes and it goes. I like to insulate myself from it now. But I think you can park generations. So like that moment for a generation was like, okay. I think so. I mean, certainly from my own personal perspective, definitely so. Aajkal kuch liberal arts students, well, I'm aise main stereotype kar raha hu. But kuch log hain jo lag rahe hain unko ji bade woke opinion hai ye ke Benazir ko gaaliyan dete hain aur bolen kyun log Benazir ke fans hain. Are there maybe people who didn't live that? Maybe discredit her a lot more than okay, like ye to kuch nahi kiya inhone. Yeah, dekho, that's very easy to do. Na? Yeah. You know, that's very easy to do. And, you know, maybe some people are doing it from a place of knowledge and information. I think most people just bandwagon. Yeah. You know, it seems to be a popular opinion. So you climb onto it. And then, of course, matlab dekhe, problem with people is ke everything else is black and white except their own selves. right? Matlab wo kehte hai na ki when you point a finger, three fingers point back at you. Kisi pe ilzam lagana bada aasan hai. Aap apne aap ko apne girwan mein jhaank ke dekhna thoda mushkil kaam hai. Bada ek mushkil baat hai na ki aap 2020 mein baithe, Benazir was problematic. You're like, everybody's problematic, yaar. Of course. Haan, kaun nahi hai, boss? Aap ho, main hoon, sab problematic hote hain. Sab insaan hai, yaar. But ये एक बहुत बेसिक ओपिनियन है 2020 में जिस डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल सो लाइक जस्ट टू आप क्योंकि वहाँ पे थे इन टर्म्स ऑफ डिसक्रेडिटिंग बेनजीर हिस्ट्री यू जेन्युइनली फील इट्स अ पिवोटल मोमेंट ऑफ दैट ब्रिंगिंग ज़िया डाउन एंड leading well, a movement. Well, I think the mangoes brought Zia down, but... she led a movement at least. No, she led several movements. I mean, aise to baat nahi hai. You know, and I mean, certainly, yeah. I mean, look, it was... You cannot downplay the historical importance of it. You can like her, you can dislike her, but you cannot downplay the historical importance of it. I think people trying to do that are just, you know, stupid. It's also that the first time she became prime minister, it's
written a lot of places that she effectively did not have a lot of power as prime minister. She did not. To the extent where logon ko salute nahi karte the. Wo to tha. Foreign policy wasn't really in their thing. I mean, wo to, yeah, that's history now. I mean, I don't think anyone can really deny that. It's question. You know. I mean, so like when people are, ye dekhe na ki hum jab Pakistan ki history baat karte hain ki ji masle hain, to Benazir Nawaz ko galiyan de rahe hote hain. Tangibly, thi kab Benazir ke paas power? Well, few years in the middle. Not even years. Yeah. Like maybe it months. Came and it goes. Came and it went and it came. And then when she came back. But I mean, it's easy to go after the politicians. Na? Politicians are low-hanging fruit. You know, I mean, there are the centers of power that you cannot criticize as openly as you can criticize the body politic, you know. So. Aap bahut achhe diplomatic. Haan, bilkul, sir. I'm still alive. Alhamdulillah, I still have a job. So one learns to be diplomatic. Also, dekho, dusri baat hai na yaar, ke one thing we were always taught is, you know, there are certain things that, as words as a journalist, that you must use. Allegedly, reportedly, according to sources, as per XYZ. हाँ अभी आपने जो पहले जो CNN वाला एग्जांपल दिया था ना कि यार ये CNN ने वीडियो चला दी तो अगर हमने चला दी तो इसमें कोई मसला नहीं होगा आपके हाथ पैर बचा के काम करो ना बॉस आप कहो कि ये जो वीडियो अभी मैं चलाने वाला हूँ ये CNN पे चली थी तक इफ इट्स प्रूवन रॉन्ग एटलीस्ट यू हैव द फिग लीफ ऑफ बींग एबल टू से कि यार CNN की गलती थी हमने गलती से चला दिया अकॉर्डिंग टू सोर्सेज तो बहुत एक्सप्लॉइट होता है ना ट्रंप भी इज लाइक मेनी पीपल आर सेइंग हु आर दिस मेनी पीपल Yeah, many people. But according to sources, to ab chalta hai, we're like, hai kaun nahin, matlab, hai when sources. I say according to sources, then cite the source. That's what I meant. No, I mean, as per XYZ, if you know it, you know. Mm-hmm. And this is how it's done. When we start to pass off opinion as fact, then you run into trouble. But there is space. People go to court for that. There is space for opinion and analysis. Of course, there's space for opinion and analysis, but then you make it clear that it's opinion and analysis. Ki ye objectively facts hain. Inko dekh ke. मुझे ये लग रहा है मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है या क्या ये कुछ हुआ अच्छा हुआ है या होने वाला है या जो भी हाँ ऑफ कोर्स तो हाउ डू सी द करंट वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है नहीं इतनी हम खुश नसीब नहीं है शहजाद आप खुश आप को लोग ओके बूमर कह रहे हैं पर आपका एक बड़ा मिलेनियल स्पिरिट है I don't even know what that means. That man. means थोड़े वो जो एक मिलेनियल I don't even like these categories. Frankly speaking. Nihilism है ना youth में. What makes these? Oof, my God, the height of arrogance. You think that millennials invented nihilism? No, they didn't. Even nihilist before it was cool, man. No, they didn't. Yeah. But this idea that World War III हो रही है, yay. Death is coming for us all. Where is the asteroid? Yeah. I recently heard that Jupiter is flinging asteroids at Earth. Yeah. You know. Thank you, Jupiter. All of a sudden, Jupiter is my governing planet in astrology. So, matlab game hai, boss. Yeah. Direct hit chahiye mujhe. You know, giant meteor in the Pacific Ocean. Just start all over. I also think World War III nahi ho rahi. Nahi ho rahi. Kahan ho rahi? It is dangerous. What is? The times. When have they not been? No, थोड़ा लाइक अब तो उन्होंने करना छोड़ दिया है बट जब 9/11 के बाद इफ यू रिमेंबर ग्रीन येलो ऑरेंज रेड करते थे ऑरेंज तक तो हम हैं अब यार देखो ओके आई एम गोना गिव यू लाइक अ रियली स्ट्रेंज पर्सपेक्टिव आई थिंक दैट यू आर लिविंग इन पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल टाइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री ओके या थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट के अगर 1200s में व्हेन द मंगोल्स वर इनवेडिंग आपके पास 24/7 न्यूज कवरेज होती हाँ पूरे बगदाद को कत्ल कर दिया सर इतने लोग मारे हैं कि द टिग्रिस रिवर इज रनिंग रेड विद ब्लड इमेजिन द ब्रेकिंग न्यूज हाँ जस्ट इन द लास्ट सेंचुरी यूरोप हैज ट्राइड टू किल इटसेल्फ ट्वाइस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डेड यू नॉट गोना फाइंड एन इक्विवेलेंट टू दैट हाँ जियोग्राफिकली इफ वी आइसोलेट मे बी द फर्स्ट वर्ल्ड Pretty much जो बाकी दुनिया में हो रहा है इतना नहीं है यार इतना नहीं है कहाँ है तो वर्ल्ड वॉर टू में भी कंटिन्यूस फाइटिंग तो नहीं थी वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज्यादा कंटिन्यूस थी वर्ल्ड वॉर टू में देयर वर पीसफुल बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल डिस्ट्रक्शन देयर इज नो इक्विवेलेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट यू विल फाइंड आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सही है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोज लॉन्ग सॉर्ट ऑफ इट्स एंड दैट्स अ मिनी अफ्रीकन वर्ल्ड वॉर राइट Maybe it comes close. Even Syria, frankly speaking, I mean, if you look at it in a historical context, it's terrible, it's awful.
terrible, terrible things are happening, but far more terrible things have happened and far more terrible things will happen going forward. Our curse is that we get to see it all. That's our curse. It's not new. Humanity has never really changed in the past tens of thousands of years. Huh? We are still fundamentally the same animal as we always were. And we will always remain the same fundamental animal, except that our clothes, our means of transportation, and the techniques that we use to kill each other have evolved. But we really haven't. So is that deterrent really worked? That the idea that because our techniques have evolved so much, I think there is that mutually assured destruction? I think so. Yeah, I think definitely it has. You know, without that, I mean, if we're talking about nuclear overhang, absolutely. And I know that's a very unpopular opinion because people are like, oh my God, outlaw nukes. So I think nukes keep the peace. Global zero. Mein aap I think nukes keep the peace. Rakhne chahiye. Bilkul. बिल्कुल होने चाहिए सबके पास होने चाहिए सबके पास होने सबके पास होने चाहिए मेरे पास दो तीन मुझे खुद दो तीन चाहिए यू नो कि बहुत पंगा ज़्यादा ट्रोल किया ना बॉस मतलब तो शेख साहब तो कह रहे थे कि जी हम तो फाड़ दें तो अगर शेख साहब की बातें ना ही सुना करो तो बेहतर तो जब आप कह रहे हैं सबके पास होने चाहिए नहीं मतलब ये लाल हवेली में दो तीन पड़े हो आई थिंक एवरी स्टेट हैज अ राइट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स या व्हाई नॉट सो यू डोंट सी कि ये वेव्स आर रॉकिंग the status at all rise of far right from that point of view absolutely I mean ye to hai now dekho there's now one thing that you cannot tell because there's a thing they call the tyranny of the present ki I'm here I'm in this moment I'm living through these times so this is the entirety of my reality I can't see beyond it right absolutely. It could be a passing phase you don't know right I don't know okay maybe this is a passing phase And the self-corrective mechanism will magically set in and then we will go back to whatever quasi-liberal democratic model, arguably, which has prevailed since World War II, you know, although arguably, right? Got different places with different cheese and things. Okay. Or maybe this is just the beginning of a cyclical historical shift. That's what I believe in. I think it's that. I also believe in that. Yeah, I also believe that. And abhi jo beech mein aap baat kar rahe the. But I could be wrong. बीच में जो अभी आप बात कर रहे थे कि यू फाउंड अदर कोपिंग मैकेनिज्म्स आई ऑल्सो फील लाइक के वो भी जो काउंटर कल्चर राइज हो रहा है बिल्कुल वही है कि एक्शन एंड रिएक्शन होता है ना यार हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन ही होता है ना यार आई मीन आई एम फाइंडिंग इट फैसिनेटिंग ऑल्सो आई मीन अगेन यू नो दिस इज अनदर टोल्ड यू सो मोमेंट बिकॉज आई लव टोल्ड यू सो मोमेंट्स यू नो कि मैं मतलब कुछ चार सालों से ये इस पर लिख रहा हूँ कि बॉस ये गेम होने वाली है ये हो रही है और अब हो गई है अच्छा द फनी पार्ट वॉज कि व्हेन आई रोट अबाउट इट एंड आई एडमिट फुली दैट आई कैन गेट लिटिल बिट मे बी टू सिनिकल व्हेन आई राइट अबाउट थिंग्स आई वाज लाइक कि यार आप लोग ज़्यादा जो चीख रहे होते हैं ना 24 घंटे के लाइक यू नो माई गॉड यू नो हाइब्रिड रूल इन पाकिस्तान एंड यू नो सिविल सुप्रेमेसी आई एम लाइक यू नो यू हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग राइट ग्लोबली एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस हाँ आई मीन देखो अगर फर्ज करो मेरा रंगी टाउन में अगर घर है हाँ तो मैं अपने घर को किसके साथ कंपेयर करूँगा मैं डिफेंस फेज 8 के साथ तो नहीं कंपेयर करूँगा ना यार मैं अपने पड़ोसियों के साथ कंपेयर करूँगा ना आप अपने पड़ोस को जरा एक दफ़ा झांक के तो देखोगे क्या हो रहा है वहाँ पे यू हैव चाइना द रोल मॉडल फॉर अथॉरिटेरियन स्टेट्स एंड इट वर्क्स फॉर देम आर्ग्यूएबली ओके या इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल मेट्रिक्स ठीक है आई मीन देयर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज डिफरेंट राइट दे वो तो कहते हैं कि यार इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा इस फ्रेमवर्क में हम बात कर रहे हैं ठीक है मॉरल जजमेंट्स को छोड़ दो अभी के लिए अगेन वी आर स्विचिंग ऑफ आवर हार्ट्स नाउ राइट वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट डजंट वर्क फॉर एवरी चाइनीज पर्सन नो नॉट एट ऑल बट देन दे डोंट रियली केयर बिकॉज इट्स द स्टेट दैट मैटर्स इट्स अ टॉप डाउन मॉडल ठीक है नो पर्सनल फ्रीडम्स एज सच नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ब्ला 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 ठीक है Afghanistan is Afghanistan. Not much more needs to be said there, right? Iran is more a theocracy than a republic, right? It's a theocratic republic. Again, fully controlled. Matlab Khamenei aur Ahmadinejad ja tweet kar sakte hain. Firoz bhai, runs a tire ki dukaan in Isfahan, wo nahi tweet kar sakte hain. I mean, again, controlled. India mein aap dekh lein. Theek hai? There was a very large part of our liberal intelligentsia that ab wo ruk gaye hain. For many, many years, decades, you know, was to be like, yaar, ek secular democratic model hai, jahan par civil supremacy hai, toh aapke baami taalukaat jaise bhi hon, it is something to aspire to.
it is something to aspire to. You know, that doesn't mean ke, you know, as many people said, ke wo kehte the ke hum mil jayein, aise kuch kare. But it is something to aspire. Yeah. That's gone. Right? That's gone. Now it is what you have a democratic authoritarian theocracy, fascist theocracy, yeah. Right? And while they haven't controlled their media in the traditional sense, they have co-opted the entirety of it, yeah. Right? And you have our trolls, ko rote ho, yaar, apne unke to dekhe hain, boss. Huh? It's on another level of disgusting, right? Ye aapki dunya hai. Go further west in the entire Middle East. Kahan aapko koi democracy nazar aati hai? Kahin nazar aati hai aapko? Think about it. Nahin, nowhere. Nowhere in the world. Ek zamane mein America Sharif hota tha, which even though it didn't mean a word it said, kam az kam ye bol deta tha ke we are deeply concerned at the human rights situation in your country. Abhi to wo bolenge and they'll be like, yaar, chup ho jao bhai, tu kaun hai? Theek hai na? So in that kind of a situation, what are you expecting? Ke matlab ekdam Pakistan mein Scandinavia ban jayega yaar? Haan? Finland ki tarah hum matlab puri female cabinet elect kar lenge, ha? Suddenly there will be one man, one vote and everything will be wonderful. No, 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 it will not. You know, a lot of people are trying to analyze the present with the tools of the past. You know, this is the complaint that many soldiers had of generals in World War I and World War II. Ke they keep trying to fight the last war without realizing that the nature of war has changed. The nature of war has changed. France went to World War II in long coats and bayonets. Poland went in with the cavalry. You know, matlab ghodon pe sawar. France to wo Maginot line ke piche pade hue the na wo. To wo ghum ke aage piche se. To point is ke yahan par bhi yahi ho raha hai na. Maginot line. Now again, yeah. Don't get me wrong. This does not mean that I endorse what the hell is going on. Yeah. But I do recognize it. Dekho, agar aap recognize hi nahi karoge, agar aap masle ko samjhoge hi nahi, to aap masle ko hal kaise karoge? I think even the most like bleeding liberal in times of war would not want this, at least this civilian government or most civilian governments. I mean, war does break out. Well, I mean, there is that very famous saying that war is too serious a business to be left to military men. You know, war is diplomacy by other means. Na? So it is always civilians who are better placed to realize what the diplomatic goals are. The goal of war isn't just to kill your opponent's troops. I mean, that's incidental. तो ये जो fifth generation warfare है। ओह ये अल्लाह जानता है ये है भी क्या यार। देखो again it's propaganda by another word ना यार। But it is propaganda. That's what they mean. Like again it is just a propaganda war being waged on the battlefields of social media and mainstream media. कोई नई चीज नहीं है fundamentally. Principle उसका एक ही है. तरीका कार नया है. That's all. We just put fancy labels on things यार. And we like to believe that, like, you know, oh my God, we're the first people to ever have come up with it. Nah, it's as old as humanity. So, historically, if we look at it, we can analyze historically issues. Okay, what was wrong here? What was wrong here? Ziaul Haq was wrong here? What was wrong here? Because of this, institutions tend to da-da-da-da-da. But ifs and buts, if we leave it, like present day, how things are, we need to look at an effective, efficient model that works rather than dreams of... I would always argue yes. Maybe there's an argument to be made for this, that what about people who are left by the roadside in a model like this? So like, agar abhi Balochistan hai. There are always people left by the roadside in any model. Look, again, it is not for me to say what kind of model we should or should not have, right? I personally believe in democracy. I believe in democracy. Theek hai? One can debate what form that democracy can take, right? And let's not get around. In Pakistan, we've tried just about every single possible hybrid combo government that we can have. Matlab Ayub ka one unit dekh le aap. But ye masla hai na, hum ek cheez hum tikte nahi hai. Hamara masla pata hai kya hai ki matlab main subah uthta hu, main sar mein dard hai, ha? Aur main jata hu doctor ke paas, doctor kehta hai yaar tumhe matlab infection ho rahi hai, antibiotic le lo. Theek hai, main ek din antibiotic khata hu, main kehta hu yaar main to sahi nahi hua yaar. Phir main chale jata hu hakeem ke paas, hakeem mujhe jadi booti deta hai, wo main do din khata hu, kehta hu yaar main sahi nahi hua. Phir main homeopath ke paas jata hu, wo kehta hai yaar aapke 3 mahine ka ilaaj hai, 3 din ke baad main kehta hu yaar ye kya bakwas hai, aur uske baad main ICU mein hota hu. To you see, we never let anything really go. I mean, hamari wo attention span aur kya kehte hain, we get tired very easily na, ke yaar bas bahut ho gaya, ab koi nayi cheez lao. You know, तो इस तरह तो नहीं काम चलेगा ना यार। हमने एक economy podcast की थी, and the argument being made was, if there was arguably
allegedly no intervention, PMLN would have won another term, maybe. And had they, wo phir aap at least unko 10 saal milte to ek taraf to ja rahe hote hain. That is an argument. That is certainly an argument. There is another argument that certain economic issues there needs to be a larger national consensus on. Well, that's fine. You can have it. You can have that. Without having a puppet government, you can sit down and have that as a discussion. You can have that. Is it going to happen? I don't think so. But theoretically, ho sakta hai. To aapko, aapke analysis mein kya lag raha hai? Objectively nahi, chalein. Kis cheez ke baare? Kahan, kya, what does 2020 look like for Pakistan? Yeah, that's very difficult to say. I mean, I think that, you know, major political challenge, I don't see any for the government. Achha, major political challenge se meri murad yeh nahi hai ke bhai koi rally nahi nikalega ya koi tutu meme nahi hogi ya talk shows mein ek dusre ko galiyan denge, but these are not political challenges. Theek hai. So ab masla ye hai ke now I think that jitna bhi PTI ab matlab pichli hukumat ko blame kare ke unhone ye kiya tha, unhone ye kiya tha, I think you're going to have fewer and fewer buyers for it going forward. Now they are going to have to show some kind of results. Theek hai. Economic policy ke baare mein bhi yehi kehte the ki ji dekho initially there will be pain, and I accept that. I get it. Theek hai. Ye matlab koi agar ye samajh raha tha ki wo matlab kahenge abracadabra aur dollar 120 par aa jayega, khuda ka khauf karo yaar. I mean, let's not be stupid about it. Okay? It's never going to happen. Nahin, it's never going to happen. It can't happen, yaar. Artificial control nahi to aapko ek tarah se is point par panchaya hai na. But anyway, I'm not going to get into that. Economics is not my field, so I don't like to talk about it. Generally, you were simple. Na, aapke ghar mein salary 10,000 hai, aap 15,000 kharch kar rahe the, wo kab tak kar loge? Basic math hai na yaar, kahan se kaise kar loge? Nahi kar sakte na yaar. So there's going to be a lot of pressure on them to deliver. You know, other than that, I mean, it's difficult to say. The regional situation is highly volatile, you know. So, it's actually funny that, you know, right now we're looking like the most sane country in the region. Which is amazing. I mean, I'm a vocal PTI critic, but I appreciate that Imran Khan ne Nankana sahab pe notice lekar. Bahut achha hua. That was very good, you know, because those psychos on the other side of the border were like trying to exploit it as well, you know. And I'm glad. Bande ko pakda, bande ko andar kiya. Aur uski thodi, matlab, kya kehte hai na? Punjab Pulse type. अच्छे थोड़े बहुत इंटरनेशनल ऑप्टिक्स आपके अच्छे हैं ना करतारपुर के आप नहीं और इस पे बड़ा आपको देखो इसी तरह तो देखो लाइक यू नो आई मीन वीजा भी इंडिया राइट नेपोलियन सेड नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक एकदम नहीं बिल्कुल यार तो व्हाट्स योर टेक ऑन कश्मीर व्हाट्स व्हाट Like, is this the new reality or ab to logon ne count bhi karna chod diya ki 4 mahine ho gaye 5 mahine ho gaye reality look what are you going to do cross the LOC no right Are you going to send in thousands of militants? No, you can't do that. So what are you going to do? What can you do? Right? From a country with the kind of bargaining power that Pakistan has, right? We don't have massive foreign reserves to be able to buy public opinion globally. We do not have that kind of international clout. We don't have, can't even offer the kind of markets that India can. So I think that, you know, ek cheez hoti hai na ki you can't really punch that far above your weight yaar you know and I think while Modi knew all of that which is why he did 370 ab wo ek alag baat hai ki now he's done overreach with the CAA and the NRC I don't think he anticipated the scale of the reaction you know but wo bhi unka hai hamara koi taluq nahi usse nahi nahi wo unka local unka, youth ka apna masla hai wo apna masla kare to kashmir ke bare mein to aisa hi hai yaar aisa hi chalega you know I mean eventually that is going to boil over at some point in time But it won't be because of us. I think tacit acceptance ke ba LOC a border hai. So LOC has been the border for a very long time, man. Dekho, the tacit acceptance has always been there. Theek hai? If you can't change a thing, then you are pretty much accepted it. Na, yeah. But what I think even getting at was even more ke hum, maybe we're just like, theek hai, ab ye ho gaya solution. Theek hai, ab ispe bas ladna ab chhod do. Nahin, dekho, ladne ka matlab bhi kya hai na, yaar? Like, for instance, like if India is like Gilgit-Baltistan bhi dein. Haan. I don't think that's going to even be like a discussion now. Like, theek hai, ab ye hai. Jo aapka hai, aap rakhe hai, hamara hai, hamara hai. Nahin, kya matlab ki agar wo There was also this argument na, the whole of Kashmir. Haan, toh they just said that yesterday. Their new army chief.
just made that statement. But that's a separate thing. That's largely them trying to distract from their own domestic agendas. Because it's fascinating. What you're seeing is complete state capture by a single ideology in India. Whether it be now the army, whether it be the Supreme Court. I think they're all dominated by the same ideology. But fascinating, really. What's more fascinating for me as well is how easy it is to see when it's not your own country. Modi to just clear cut. Grey, black and white. जो आपने tyranny of ना बोला था tyranny of the present it's also the tyranny of where you are of course कि आपको अपने मुल्क में वही चीज़ नहीं नज़र आ रही नहीं नहीं हम यार खुदा का खौफ करो जितना मातम हम करते हैं कोई दुनिया में मुल्क नहीं करता किस बारे में हर एक चीज़ के बारे में बॉस हाँ anything that happens right we are the first people to criticize ourselves and that's a bloody great thing है सर नहीं हमारे नहीं तुम चलो untouchables हैं आपने बॉस कहा नहीं है हाँ तो मतलब ऑब्वियसली है हम लेकिन पैट ऑन आवर बैक्स भी थोड़े जरा आहिस्ते आहिस्ते नो आई एम कंप्लीटली गोना डिसएग्री विद यू देयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्केल वी हैव नथिंग दैट इवन रिमोटली रिजेंबल्स द बीजेपी एंड द आरएसएस कमिंग इनटू पावर बॉस तुम सोचो तरीके लबैक का प्राइम मिनिस्टर हो तुम्हारे पास फिर आके बात करो ये लेवल है ये लेवल लुक एट द ननकाना साहब एग्जांपल व्हाट वाज द रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया Did you have anyone saying ke bahut acha hua in Sikho ke saath? No, but no. Jis tarah agar hum baat kar rahe hain ki har political party ne blasphemy exploit ki hai, religion exploit ki hai, bilkul ki hai, aapki bilkul ki hai, lekin again, Khadim Rizvi is not your prime minister. And that is the equivalent of Modi. Khadim Rizvi has also been a state agent. Lazi, do you have proof of that? Now you see. देखे लगे ना पोस्टर लगे थे ना कहाँ लगते पोस्टर तो बहुत लोगों के लगते हैं तो कोई कोई do you have state or do you have proof मेरे दोस्त हैं जो स्टेट एजेंट हैं और मैंने कहा वो स्टेट एजेंट जो स्टेट एजेंट ऑन रिकॉर्ड बात रियल स्टेट एजेंट हैं वो बात करेंगे आपसे वो बेचते हैं प्रॉपर्टीज तो उन्होंने पोस्टर लगाया तो मैंने बोला वो रियल स्टेट एजेंट जो है कासिम रिज़वी अगेन देखो इफ आई कांट हैव डॉक्यूमेंट्री ऑन रिकॉर्ड प्रूफ ऑफ समथिंग आई कांट स्पेक्युलेट अबाउट इट I know it's very easy for people. Hamare accusation is evidence. But Tehreek e Labbaik ko chalein factually to third largest vote to mile. Ha, ye mile. But again, boss, there is no comparison. I mean, aap kar sakte hain. Aap JUIFA ko bhi magnify karke kar sakte hain. What you have over there is complete. You have Nazi bloody takeover. We have nothing equivalent to that. No matter how much we even try, ke bhi like nahi, lekin hum bhi to bure hain. Boss, jitne bhi bure hain, itne bure nahi hain. अब हो गए हैं आई थिंक फॉर इयर्स हां अभी तो इस अब की बात कर रहा हूं देखो भाई जनरल ज़िया हमारे ऊपर से आया था यार हमने उसको ऊपर नीचे से ऊपर नहीं रखा था ये एक अच्छी है वैसे बात कि हमने नहीं किया इट्स अ फैक्ट ना यार यू नो इट्स नथिंग दैट कैन बी आर्ग्यूड अगेंस्ट सो देयर इज आल्सो एन आर्गुमेंट दैट इज मेड के वॉर जो आप कह रहे हैं जी पंचिंग अबव आवर वेट वी हैव रियलाइज कि हम कर ही नहीं सकते एंड आई डू फील कि अब हम करना चाहते भी नहीं और हमें एहसास हो गया हम नहीं कर सकते नहीं बिल्कुल बट वी हैव टू कीप द चिंगारी लिट जस्ट बिकॉज लेट्स से यू मेक पीस विद इंडिया एंड दैट वॉर नैरेटिव ड्रॉप्स देन द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड देन यू आर लाइक अच्छा आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि जी जंग नहीं है अगर आप नैरेटिव सालों से बेचते आ रहे हैं कि घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे बट वही बात है ना कि जी इंडिया नहीं है हम आप जितने भी बुरे हैं आप इंडिया नहीं है थैंक यू जना हम इंडिया तुम अगर देखो तुम्हें आज़ादी है तुम यहाँ पे हो ये कर सकते हो सो यू नॉट रियली हैविंग अ क्वेश्चन अच्छा तुम भूखे क्यों हो तुम सड़क पे क्यों सो रहे हो नहीं वो तो क्वेश्चन लोग फिर भी पूछ रहे हैं बॉस कौन नहीं पूछ रहा यार आप किसी भी बंदे से पूछ लें यार वो इंडिया की बात तो नहीं करेगा वो यही बात करेगा ना यार कि मतलब महंगाई हो गई है ये हो गया है हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे तो दैट्स नॉट हैपेंड बट दैट वी स्टिल हैव दैट बैंडेड राइट कि आप चलें कश्मीर रैली कर लें कश्मीर कॉज के पीछे आ जाएं यार वो बैंडेड नहीं है वो मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं यार तो मैं वही कह रहा हूं कि वंस द मैन्युफैक्चरिंग एंड्स वंस इंडिया स्टॉप्स बीइंग नो नो एंड ओके ए इंडिया इज नेवर गोना स्टॉप बीइंग योर एडवर्सरी सो यू कैन रूल दैट आउट आल्सो इन टर्म्स ऑफ यू वांटिंग इट टू बी एन एडवर्सरी बिकॉज़ दैट इज इररिलेवेंट नाउ दे आर ओपनली हॉस्टाइल देयर इज नो अदर वे टू पुट इट यार ठीक है ना वो तो मतलब यार उठता है तो वो पाकिस्तान 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 नाश्ता नहीं हजम होता अगर उसका वो पाकिस्तान दस दफा नाम ना ले देयर इज ओपन हॉस्टिलिटी आई थिंक इन फैक्ट वी हैव बीन ट्राइंग टू मेंट फेंसेस विद देम फॉर सम टाइम नाउ एंड बीन कंप्लीटली रिबफ्ड सो दिस इज नॉट इवन अ हाइपोथेटिकल इट्स अ हाइपोथेटिकल ऑफ अ हाइपोथेटिकल ऑफ अ वी आर आल्सो लाइक अ यंगर ब्रदर राइट मतलब फॉर इंडिया ठीक है पाकिस्तान है बट इंडिया हैज नेवर रियली एक्सेप्टेड योर एग्जिस्टेंस प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट दिस
whether it's the Congress, whether it's the BJP, kal aam aadmi party bhi aa jaye na boss, fundamental national narrative is that they do not accept your existence. And that is something that I believe as a fact. So, Germany also didn't accept Poland in World War II and everything. But ab ho gaya na, theek ho gaya na. To sir, wo jab hoga to fir hum dekhenge na. Main aaj ki baat kar raha hu, main abhi ki baat kar raha hu. But aapne beech mein speculation ki thi na, kal kuch bhi ho jaye to. Kal nahi, dekho. But ho sakta. There is I doubt it. Peace in South Asia. I don't see it. Not happening. I don't see it in my lifetime. I've seen this theorized ki agar let's say jis tarah Bangladesh hai, if Pakistan stops being Pakistan and you get four states which individually do not threaten India, like now we're still big enough, that would just mean theek hai phir peace hai, everybody accepts India as the superpower in the region and all these smaller countries, so that's surrender happily. Ji, that's surrender. But ek dafa to ho chuka hai, so like if we look at 71, nahi, that's a very, I'm sorry, that's a very silly argument. I mean, kya matlab, nahi main ye nahi keh raha ki ye karna chahiye, absolutely not. I'm saying that's one model towards peace in South Asia. Okay, there's another model. Agar India 30 states mein divide ho jaye, fir kya hoga? Wo bhi peace hai kya? I'll tell you the only one way to ensure peace in the world. That you kill every single human being that exists. To janwar bhi to peaceful nahi hote? Nahi nahi, wo fir bhi jang to nahi ladte na yaar. Kha jate ek dusre ko. But since when is the last time that you heard like the United States of lions invading like killer whales karte hain Hyderabad? Killer whales karti hain, pura pod bana ke chal ke is jagah ko attack karke aate hain. Ha, lekin matlab kya, matlab daant waant hi istemal karenge na yaar, koi matlab white phosphorus ya matlab cluster bombs to nahi fenkte na dusre ke upar. Look, only the dead have seen the end of war. You are not going to perpetual state of war to some extent or another. Existence is war, man. Pakistan, India, can't go without it. Pakistan, India ke beyond ek China bhi tumhari reality hai. To that CPEC colonialism, nahi. Nahi. People use terms that they have very little understanding of. Okay. East India Company, unse poochho ki East India Company kya thi, wo tumhe jawab nahi de sakte. Bada asaan hota hai. Bataye aapke kyun, matlab aapka kya? Dekho, so, it's part of China's overall expansion into the world. Belt and Road Initiative. China has great strategic value for us and we have great strategic value for China. True. Right? Dekho, bilkul, you're going to be in debt with them, but jab wo debt ka time aayega, to aap usko reschedule aur maaf karwate jayenge. Because they need you as well, make no mistake about it. Pound of flesh to lenge na. Sir, kaun nahi leta, sir? To wo, matlab, theek hai, maybe they're not going to rule over the country, but they might take a port. By all means. Le le. Kyun nahi? Le le. Kya masla hai? क्या हमने कितने अमेरिका को कितने एयर बेसिस दिए थे बॉस? वो तो रेंट पे ना. नहीं तो क्या आत्मा ख्याल है यार, डू रिमेंबर द यू2 क्राइसिस? या राइट, पेशावर से टेक ऑफ हुआ यार, शमसी एयर बेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पिकिंग अप पीपल एंड सेलिंग देम कोक टू गुआंटानामो विदाउट ड्यू प्रोसेस, ये सब कुछ नहीं हुआ क्या यार? यू नो, दूसरी बात है कि आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, आई एम मोर इन फेवर ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद चाइना देन विद एनी अदर नेशन. Yeah, I don't have ideological reasons for it. I just have practical reasons for it. It's also impossible for you. The enemy of your enemy. It's also impossible for you not to, na. India, Afghanistan, Iran. वही तो मैं कह रहा हूँ ना. करोगे क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना. तो मतलब जो लोग कहते हैं ना कि oh my God, the Chinese are going to take. तो you tell them कि अच्छा तो और आप मुझे कोई solution बताएं. चलें. तंकीद करना बड़ा आसान है ना यार. I think it's जो dawn में जब CPEC का agreement हुआ था. एक अग्रीमेंट आया था जो गवर्नमेंट ने रीबाफ कर दिया था कि ये नहीं, ये पुराना है. जी जी जी, ये नहीं है. जी, एसएन इकबाल की तरफ से. जी बिल्कुल. वो फिर कभी ही वाज लाइक, मैं असली दिखाता हूं. नो, देयर नीड्स टू बी अ हेल ऑफ अ लॉट मोर ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, उसमें जो लीक्ड रीबाफ हुआ था उसमें तो इस तरह के भी क्लॉजेस थे कि जी अनाज जो इन फील्ड्स का होगा पहले हमारे पास जाएगा, भले पाकिस्तान में कुछ भी हो. देखो, आई डोंट नाउ, आई कांट कोट इट एग्जैक्टली बिकॉज मुझे याद नहीं है. आई नो देयर वाज एन एग्रीकल्चरल कंपोनेंट ऑफ इट. आई डोंट थिंक दैट देयर वाज एनी राइट ऑफ फर्स्ट परचेज, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक. बट देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन पाकिस्तान दैट आई मीन, अगर आप ओवरऑल देखें हमारी एग्रीकल्चरल पर कैपिटा प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लो. ठीक है, इफ विद चाइनीज हेल्प वी कैन बूस्ट दैट पर कैपिटा प्रोडक्शन एंड दे वॉन्ट टू टेक अ चंक ऑफ इट, फाइन यार. देयर इज नो फ्री मील इन द वर्ल्ड बॉस. हाँ, कोई अगर तुम्हारे लिए वो काम कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मतलब नॉट, इज नॉट डूइंग इट बिकॉज ही लव्स यू और ही वांट्स टू हैव योर बेबीज, राइट? यू नो आई मीन, सो टू स्पीक, यू नो.
I'm sure some people love me. Some people want to have my babies. I'm sure many people want to have your babies. Yes. Lekin maybe they're not like constructing a house for you or something. Although that would be cool, you know. But point is ki dekho, there's always give, there's always take. You just have to keep a balance between them. Essentially, aap keh rahe hain hame zara apni jo aukaat hai wo dekhni chahiye. और उस औकात में रहते हुए ख्वाब देखे हम एब्सोल्युटली तो आपने जो परफेक्ट डेमोक्रेसी और परफेक्ट कंट्री और देयर इज नो सच थिंग ऐसा कुछ नहीं होगा ना कभी हुआ है दुनिया में ना कभी होगा तो आप नहीं सरवाइव कर सकते चाइना के बगैर सो दैट आई डोंट थिंक यू कैन आई आल्सो आई मीन आप मे बी हैड हिस्ट्री अनफोल्डेड डिफरेंटली एंड यू हैड मेड डिफरेंट डिसीजंस करंट क्लाइमेट में जो आपकी हालत है हां IMF और चाइना के लोन्स आर ड्यू हैं आई थिंक यू विल इवेंचुअली बी लाइक आप दोनों आपस में देख लें भाई ना यार मतलब ये सेटल कर लो यार तुम्हें भी देने के लिए नहीं है तुम्हें भी नहीं है देने के लिए ऐसा ही है तुम दोनों में से कोई देख ले तुम्हें क्या चाहिए यार आज भाई के पास पैसे नहीं है यार अगली तनख्वाह तक यार तू उसको हैंडल कर ले हां क्यों नहीं आई मीन दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स यार यू नो आई मीन सऊदी के साथ भी हमारा क्या है सऊदी के साथ भी तो हमारा यही है ना यार दैट्स व्हाई वी कांट गो टू मलेशिया डू यू थिंक इट वाज incorrect of the prime minister's office to accept it embarrassing it was very embarrassing I think that accept hi nahi karna chahiye tha na shuru mein bol dete prior commitments hai kuch hai yaar yehi I mean dekho ye hota hai ki I mean from what I've heard and I've heard this from you know people who generally know about these things the foreign office wasn't really consulted before the prime minister agreed to the malaysia wo sort of josh e khitabat mein na ke yaar dosti bhi to hai na unki nahi aur banti hai idealize bhi karte hain unko bilkul karte hain erdogan turkey ke sath bhi we have you know very solid relations so I think that they didn't anticipate ke saudi kitne tab jayenge is baat se you know erdogan ne bhi zaleel bhi kiya hame ha wo bhi hua tha yaar that was again very embarrassing सो इवन ठीक है हम कहते हैं यार ये गवर्नमेंट है यही होना डर इवन इन टर्म्स ऑफ अदर सिविलियन गवर्नमेंट्स या तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है हमें या जो फोपाज ये लोग कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं इट्स द लैटर बहुत ही ज़्यादा हाँ यार कभी कभी तो मतलब लगता है कि यार क्या क्या ये स्ट्रेटजी तो नहीं है हाँ कि इतने भंड मारो मतलब इतनी अजीब अजीब बातें करो जॉन में लोग दुनिया यू नो द ट्रंप स्ट्रेटजी अच्छा आई वुड लव टू बिलीव दैट You know why? Yeah. Because that means there is a strategy. Ke smart hai ye log. Nahi, ponchi bhi soch hai na yaar. Ponchi bhi soch hai na yaar ki awam ko itna distract kar do. Matlab bhand quota hai sabka yaar. Aaj tune kitne bhand mare Muriad? Usne kaha ki sahi milu to 3 bhand mare. Usne kaha tune 5 marne the. You are underperforming. You know, I mean, is tarah agar aisa system hai to that's actually brilliant. It works though that system. Like for instance Trump when the grab them thing happened, people were like ye to khatam. Then na? Grab them by the Oh ha, Trump wali na. Ye to ab गया लेकिन उसने 10 और मिसाइल फायर कर दिए तो वो यू जस्ट लूज ट्रैक यू लाइक व्हाट हैपेंड सो 10 दिन पहले जो अगर पीटीआई गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया था आपको तो याद भी नहीं है यही हो रहा है पता है बिफोर दिस गवर्नमेंट केम इन ना तो यू नो लाइक आई वाज टॉकिंग टू सम माय कॉलीग्स एंड आई एम लाइक यार इतना कंटेंट आने वाला है ना कि आपकी सोच है लेकिन इतनी सोच मेरी भी नहीं थी यू नो बट इट बिकम्स इम्पॉसिबल लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने कुछ साल से सैटायर नहीं लिखा नहीं आप कर नहीं सकते कैसे कर सकते हो क्या करूं कैसे करोगे यार क्या करूं देयर मतलब एग्जैक्टली आई मीन अनियन को यूएस में भी यही प्रॉब्लम है ना कि हाउ डू यू सैटराइज अ गाय लाइक दिस हां मतलब हो ही नहीं सकता यू नो तो आई मीन सो अगेन यार इफ इट्स अ स्ट्रेटजी शहजाद इट्स ब्लडी ब्रिलियंट यू नो व्हिच इज व्हाई आई डोंट थिंक इट्स अ स्ट्रेटजी I don't think that they're that good. If they were that good, na boss, mera vote pakka hai puri zindagi ke liye. Just keep them confused. Yeah. I mean, ye to matlab Goebbels se bhi aage nikal gaye. Kafi zyada. Wo matlab uske baap hai. I do think, pata nahi kyun unko fire kar diya, but I do think Fawad Chaudhary works in a country like Pakistan as the Minister for Information. I think Fawad Chaudhary is awesome. I'm a big fan. आपने ये बोला नहीं 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 सिर्फ क्लिप है आपने नहीं नहीं तो शॉन्स भाई से भी बेहतर है ये ऐसा होना चाहिए मतलब किसने बोला आपको हो जाता है Fawad's a good friend, man. But I don't know why he was sidelined. I think he was doing a great job. Ma'am. I also believe that. Teflon. Teflon, yeah. Teflon. Bilkul. I mean, matlab kya kehte hai na, wo force field. It was brilliant, you know. I quite enjoyed him as Minister of Science and Technology also. I mean, kam az kam pehli dafa zindagi mein ye pata laga ki Minister of Science and Technology hai aapke paas. I mean, name one other Minister of Science and Technology that you can ever think. I can't think of anyone. Wasn't Umar Saif?
The previous पता नहीं यार, मुझे नहीं पता. साइंस एंड टेक्नोलॉजी था यार, कोई आईटी वाईटी में नहीं था. पता नहीं, I don't know. Again, see, मुझे I don't remember. Umar Saab has done some interesting stuff. I can't think of a single ministry of S&T that ever in my entire life. इस तरह तो you can't even name a minister of climate. But it's not a compliment that you can now. ये भी एक point है. This is also a point. कि अब आपके जो हैं noted, conceded, conceded. That in itself is not an achievement. नहीं बाब बिल्कुल मान लिया सही point. तो जो आप कह रहे हैं कि जी ये तो deliberate है. नहीं मैं कह रहा हूँ काश ये deliberate अगर हो तो वो I think the climate minister is a very good example of कि ये नहीं deliberate नहीं है. नहीं लगता है lights off हैं ऊपर. हाँ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है. Lights are off and no one's home. हम जो इतनी सारी पॉलिटिकल बातें करते हैं, हम तो ये डिस्कस भी नहीं करते कि जी क्लाइमेट को हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है. एंड द वर्ल्ड इज लाइक जी क्लाइमेट चेंज वो एंड वी हैव द टच गुड. हाँ बट अनफॉर्चुनेटली लुक वी डोंट हैव मच यू कैन डू. आई मीन पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली दैट यू नो आई मीन वी डोंट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू ग्लोबल एमिशंस and we are paying the price for global climate change. We're the fifth country that most the at most risk of, na? हाँ तो मतलब ये सीन है. Maybe that's our strategy. ठीक है यार बोरो करो, जो करना है करो, डूबना तो है वैसे ही. अब भी जितने पैसे आ रहे हैं ले लो I mean, देने थोड़ी होंगे. हाँ, exactly. 5 साल बाद डूबे ना, तुमने रहना है ना, हमने रहना है यार. हाँ तुम भी अपनी किश्ती पर होगे, हम भी अपनी किश्ती पर होंगे, तो ठीक है बस फिर मर जाते हैं. तो ये जो बेचारे, लेकिन क्लाइमेट मिटिगेशन नीड्स टू टेक प्लेस. आई मीन यू हैव टू put in some policies that mitigate against it. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पानी का मसला है, हाँ बिल्कुल सप्लाई का इशू है, बट इट्स मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेस्टेज, यू सी. सो वी हैव टू बी कर्बिंग थिंग्स लाइक दैट. इफ वी डोंट देन यू आर रियली गोइंग टू पे अ बैड प्राइस फॉर इट. सो उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ लाइक पॉलिटिकल मसले. बिल्कुल. लाइक फॉर इंस्टेंस अभी किसी तरह की रिसर्च थी कि थिंग्स लाइक डैम्स एंड बराजेस शुड बी क्लोज फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एवरी ईयर सिल्टेशन हटाने के लिए. आपकी सारी डैम्स और ब्रांचेस 60% 50% पे चल रही हैं, बिकॉज़ यू कांट क्लोज देम. या यू कांट क्लोज देम. नहीं बंद करोगे तो फिर डिजास्टर है. बंद करोगे तो मुल्क आपको जला देगा. वो हाँ 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 क्या आपने बंद कर दिया. नहीं पॉलिटिकल कॉस्ट उसका बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा हाई, अनसस्टेनेबली हाई. यू कांट. बट ऑन द फ्लिप साइड देन यू आर जस्ट स्क्रूइंग इट. या टू द एक्सटेंट के जी आपके सुप्रीम कोर्ट डैम बना रहे हैं. That was a lot of fun. It was great fun. Like every time you'd say something like, "Yeah, this is madness," then you'd have 50 people. Aap to khatar ho. Maine kaha kya? Ab bhul gaye sab log. Sab bhul gaye. Ab bhul gaye. Abhi bhi main kabhi bank jata hu to laga hota hai fund. I'm like, ye de rahe hain ab tak? Haan. Log ab tak de rahe hain Supreme Court dam fund mein paise. Mere apne rishtedar hain jinne matlab mazak ke ilawa na yaar apne zevar bech ke dam fund mein dale hain. You know, when we look at history and we're like, ye sasti taxi, sasti roti, asan taxi, kaun pagal the? Karz utaro, mulk sawaro. You're like, ye kaun pagal log maan rahe? Kaun the ye log? As we send an SMS to the damn fund. Then we look around and we're like, ye to humari khandan wale the sare. Yehi hota hai na yaar, yehi hota hai, pata hai, yehi hota hai, you know. कभी गरूर नहीं करना चाहिए बॉस, मैंने तो यही देखा है यार. अचीवमेंट होती है यार, गिनेस में आते हैं. हम पहला मुल्क है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एक What a clown that guy was. Contempt है. नहीं, not anymore. मैं कुछ भी कह सकता हूँ. नहीं, but वो funny. उन दिनों में कहना होता था कि the honourable chief justice needs to consider whether this is in fact a wise move. Now I can say कि he was mad, and it was madness. That yeah. I can say that straight up. You cannot contempt me. He felt like अगर आपने नायक मूवी देखी है उसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. देखी है मैंने, चीफ मिनिस्टर बन जाता है वो. मुझे लगता है वो साकिब निसार वो थे कि वो एक दिन सुबह उठे और उन्होंने बोला मैं. यार जब बंदे को ये शौक चढ़ जाए ना यार कि मैंने हेडलाइंस में आना है, वो खतरनाक गेम होती है. बट आई टेल यू इंटरेस्टिंग साइड थिंग ऑन दैट. Now, Saqib Nisar loved the cameras, right? Yeah. Yeah, matlab, unannounced chapa bhi hota tha na, to pata nahin, magically all these cameras would appear as if out of, you know, thin air, which is amazing. So when we talk about censorship, na, yaar, this is one major thing we forget. Iske there are the one people, boss, main kabhi kabhi main army ke khilaaf bhi baat kar sakta hun, main agency se khilaaf bhi baat kar sakta hun. Consequences hoti hain thodi bahut, depending ki un dinon mein kya mood hai aur kya hawa chal rahi hai. That's a lot of it. You will never find anyone talking against the corporates or even against the big industrialists. जैसे अभी आजकल एक खबर चल रही है ना, मैंने उसमें ज़्यादा देखा नहीं है कि ये लाहौर के शीश महल में मेहंदी हुई है ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की
सनतकार कौन है वो सनतकार यार कौन है कौन है आपको पता है नहीं well, मैं कह नहीं सकता बिकॉज इट्स ऑल इट्स स्पेक्युलेटिव कैसे स्पेक्युलेटिव होगा जब एक मेहंदी है सबने अटेंड किया मुझे मुझे अभी लाइक आई सेड ना आई हैवंट अच्छा आपने आई हैवंट लुक्ड इनटू बट पता तो सबको होगा ही आई एम श्योर पता होगा यार किसको नहीं पता होगा मेहंदी का कार्ड देख लो यार हां तो माय पॉइंट इज कि उसका नाम तो नहीं आया ना मीडिया हां नहीं आया कहीं नहीं आया ना मीडिया पे अच्छा दूसरी चीज कि अभी आपको याद होगा कि एक और चीज है नॉट टेक्निकली कॉर्पोरेट ये सीव्यू पर हुमैरा अकरम शनैरा हॉस्पिटल वेस्ट आया हुआ था ना तो अगले रोज खबर आई कि जी दैट हैज बीन ट्रेस्ड टू ए लोकल नियर बाय हॉस्पिटल चेक नाम क्यों नहीं ले सकते आप यार सिंध हुकूमत नाम नहीं ले रही उस हॉस्पिटल का सो यू वंडर व्हाई मे बी डॉक्टर्स तो अनटचेबल हैं मे बट मे बी द हॉस्पिटल हैज कनेक्शंस यू सी सो माय पॉइंट इज कि देखो उसका भी आप देखें हैमर डाउन किस पर आया ये जो पापड़ बेचते हैं वो तो हमेशा ऐसे ही होता है ना यार हमेशा ऐसे ही होता है आपके आप बैरियर टाउन को रेगुलराइज कर सकते हो लेकिन ठेला वाला यू आर इन वायलेशन ऑफ लॉ एक इंजेक्शन अगर मिला है तो जो बंदा पापड़ बेचता है या कैमल चलाता है उसका क्या था नहीं वैसे वो उनको डायरेक्टली तो लिंक नहीं किया था वो तो उन्होंने कहा था कि हम बीच को साफ कर रहे हैं बट यू डोंट गिव अ क्रैप अबाउट व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन यू ऑलवेज हिट दीस पीपल आई मीन इनके साथ वो क्या करेंगे आप वो आई मीन आई थॉट इट्स अ गुड थिंग अगर वहाँ गोलगप्पे मिल रहे हैं पापड़ मिल रहे हैं कैमल चल रहे हैं तो क्या क्या इसमें क्या हर्ज यार अगर आपने रेगुलेट करना है तो आप उनको एक जगह दे दें ठीक है ना जैसे एम्प्रेस मार्केट ठेलों वालों की भी यार एक जगह दे दो ठीक है लेकिन ये जो इन लोगों ने किया है यार इट्स मैडनेस बट इट्स आल्सो दैट दे वेक अप वन डे एंड डिसाइड यही होता है लॉ में भी कस्टम इज अ डिफेंस अगर आप बोलें कि लेट्स से आप रोड गलत जाते हैं लाइक हर इंसान गलत जाते हैं और 50 साल से जाते हैं वही है ना कि इट्स अ डिफेंस और दूसरी बात है कि ऊपर से एक ऑर्डर आता है नीचे से उसकी इंप्लीमेंटेशन कुछ और होती है सो इवन विद एम्प्रेस मार्केट दे वर लाइक हमारी तीसरी जनरेशन है इस्लामाबाद में कच्ची बस्तियां थे लाइक भाई अब तीसरी जनरेशन है ये सडनली आपको याद आया कि यार ये या लियारी में भी उन्होंने जाके फिर यही किया था नहीं हर जगह यही होता है हर जगह बड़े गरीबों के साथ होता है वो जाहिर है गरीबों के साथ ही होगा और किसके साथ होगा पिसने के लिए और कौन है यार अमीर पिसेंगे क्या हो गया यार पागल हो गए सो देयर इज दैट आर्गुमेंट बी मेड एज वेल कि पाकिस्तान में एक्चुअली तो कोई चेंज चाहता नहीं है कुछ सब बड़े खुश हैं जिन जिन के पास है पावर वो क्यों देंगे इफ आई हैव पावर व्हाई ऑन अर्थ वुड आई वांट टू शेयर इट विद यू मेरे साथ तो कर लें मैं तो किसी के साथ ना करूँगा अनलेस कि मुझे उसमें से कोई फायदा है फिर मैं करूँगा तो ये जो सारा प्रिविलेज डिस्कशन है कि ये जो आप कहते हैं एवरीवन इज प्रिविलेज्ड टू सम एक्सटेंट और अनदर ऑब्वियसली सम लॉट मोर बट ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैव बिकम फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी लेजी बज़वर्ड्स आल्सो ठीक है अब बंदा कुछ भी ना कहे क्योंकि किसी ना किसी सिचुएशन में आप किसी ना किसी से ज्यादा प्रिविलेज्ड हो इसका क्या फायदा एक्नॉलेज करके आई थिंक एक्नॉलेज कर लो एक्नॉलेज कर लो एक्नॉलेज कर नहीं बट देन इज व्हाट इज एवरीथिंग यू पोस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाइल आई एक्नॉलेज माय प्रिविलेज एज अ यू नो आई मीन आई एम सॉरी दे वांट एवरीबॉडी टू बी सो हाईली प्रोसेस्ड एंड सिंथेसाइज्ड दैट आई थिंक ऑल रियलनेस हैज गॉन आउट ऑफ एवरीथिंग इन 244 कैरेक्टर्स यू कांट बट आई थिंक योर वर्क एजुकेट्स इट राइट सो फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हो कि ठीक है मैं एज अ गाय आई एम एज अ मैन आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स मूवमेंट इट्स नॉट लाइक आप एक पैराग्राफ लिखोगे उससे पहले आई एज अ मैन एक्नॉलेज वो इट्स जस्ट अगर आप कॉन्शियस हो योर वर्क विल बी कॉन्शियस ऑफ दैट राइट वन वुड लाइक टू बिलीव सो बट पीपल विल कम एट यू इफ दे वांट टू कम पीपल विल कम एट यू फॉर व्हाटएवर पीपल विल कम एट यू फॉर व्हाटएवर तो ये जो वोक और कैंसिल कल्चर है आप इसके खिलाफ हैं आसान है इट्स एन इजी वे टू डू इट यू नो बिकॉज़ समवन इज नॉट परफेक्ट इन एवरी सिंगल वे दैट आई एक्सपेक्ट देम टू बी देयरफॉर दे कैंसिल तो कर लो यार कर लो कैंसिल तेरे कैंसिल करने से क्या होगा यू आल्सो फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक दिस दिस फॉर इंस्टेंस आई डू कॉमेडी आप जर्नलिस्ट करते हैं ज्यादा इन प्रोफेशन को इज्जत नहीं दी जाती कि अच्छा क्या करो तजिया निगाह रहे हो मैं भी हूँ हर कोई तजिया निगाह रहा है राइट क्रिकेट एनालिस्ट भी सब कुछ है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी सब कुछ है सो इट्स सॉर्ट ऑफ आल्सो दैट्स जेलसी ऑलमोस्ट कि व्हाई डज दिस गाय गेट अ शो व्हाई डू आई नॉट गेट अ शो लेट मी ब्रिंग हिम डाउन ये तो है Again, that's human nature, no? It's nothing, it doesn't come as a surprise, right? I mean, that's just how people are. Thank you. It's up to you whether you let it affect you or not. मुझे लगा आप बड़ी को hopeful बातें करेंगे आपने हमें मैं hopeful बातें नहीं करता यार I mean,
I hope is the first step on the road to disappointment. I try to avoid it. Sir, you must be a lot of fun at parties. I am hilarious. I mean, you know, this is why I usually stay home Netflixing all the time. हाँ, मुझे लगता है मुझे आपसे ना माइक बंद करके बातें करनी चाहिए. ये जो रिस्ट्रेंट है. नहीं, I mean, मतलब सवाल, चलो सवाल पूछो, मैं आपको 100% ईमानदारी से जवाब दूंगा. चले. आपने मुझे उस पर डाल दिया, प्रेशर में डाल दिया. आपको आती है नोटिफिकेशन की ये बातें ना करें और फिर आप नहीं करते? हाँ. तो हाउ डू यू लाइक live with the moral dilemma ke ye I feel you, like this needs to be talked about but I also need to stay alive. Sometimes you find other ways to talk about it. Now it all depends on what we're talking about. Sometimes we'll do it anyway. Theek hai. Sometimes we will do it but in like a slightly sneaky way, and sometimes we won't do it simply because you have to pick your battles. Okay. If you fight every battle, you will lose. ठीक है ना? I mean, you will lose. I mean, for example, you know, मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ. Justice Shaukat Siddiqui का जो case था, ठीक है, याद है आपको? हाँ हाँ. Right? तो you know, I mean, they went after him because basically उसने फिर establishment के खिलाफ बातें की और उसने ये कहा और वो कहा और काफी चढ़ गया. फिर और speculation ये कि वैसे ही उस पे एक inquiry हो रही थी. वो भी. But I'm giving you one particular perspective on it, ना? कि फिर एक बहुत बड़ा तबका था, you know, which for very good reasons is like, you know, whatever anti या क्या कहते हैं, you know, more like in favor of like, you know, okay, this should be done. I'm absolutely with them on that. So they were like, कि नहीं, we are going to support him. ठीक है, अब आपका एक moral dilemma यहाँ पे ये बनता है कि at the same time, you know, he has done a lot of things that you could call very right wing and very fundamentalist. Are you going to support him regardless of that? I don't know whether, sorry, I'm cutting you, but I don't know whether that was proved fake or was another judge. But that was a picture of that him, wasn't him kissing. Nee, that's not him. That's not him. वो एक और बंदा था, वो बेचारे, मतलब, he may be responsible for a lot, but not that. उस केस में उसकी बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौकफ था. So there was a big debate कि यार अब इसको सपोर्ट करो या बंदा ना करे. You know, by supporting him, are you also condoning his other views? Or are you going to pick your battles? You know, because देखो एक strategy opponent को exhaust करने की ये भी होती है ना कि आप उनको इतने महाज पर लड़ाओ के जंग हार जाएं. जो आप कह रहे हैं कि government की strategy नहीं है, कोई इतने smart नहीं है. नहीं, वो तो नहीं है. Not the government, but maybe the government. ठीक है. Behind the government. Real politics जिसको कहते हैं. There is nothing else in the world, man. चाहे आप जितना भी चाहें, doesn't mean you have to stop trying to find a better world, but you should realize that you're probably never going to get it. उस आपकी स्टोरी मैंने बीच में काट दी, सॉरी. तो इन दिस जस्टिस, नहीं, वही मैं कह रहा था ना कि अब डू यू एक्सपेंड ऑल योर एनर्जीज प्रोजेक्टिंग हिम एज सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक हीरो, और डू यू फाइंड अ बेटर बैटल टू फाइट? सेम थिंग अप्लाइज फॉर फजलुर रहमान, आई गेस. एब्सोल्युटली डज. In fact, less so in a way, you know, because I think, because Fazlur Rahman ka, main to ek second ke liye nahi believe karta ki ye koi ideological struggle thi. Ye struggle thi ke sir, mujhe seat kyun nahi mili aur mujhe phir perks and privileges. Yaar, agar itni fake parliament hai, to phir aap parliament mein baithe kyun ho? Mujhe ye baat samjha do na yaar. Theek hai na? So I mean, you could, now the only way that I would find someone, you know, I mean, bechare dekho yaar, koi 20 लो लेफ्ट के लोग हैं, बेचारे कितनी गालियां खाते हैं, तो मैं आई एम नॉट गोना पाइल ऑन टू दैट. दैट वुड बी लाइक अ रियली रॉन्ग थिंग टू डू. आई थॉट यू लाइक्ड किकिंग पीपल व्हेन दे वर डाउन. नहीं, बट आई मीन, बट दफन हो चुके हैं बेचारे, तो उनका कोई फायदा नहीं है ना यार. एंड आई एग्री विद क्वाइट अ फ्यू ऑफ देयर पॉलिसीज, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है ना? तो यू कैन से के आई एम सपोर्टिंग फजलुर रहमान व्हाइल आई नो के मैं और किसी पॉइंट पर इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस सिंगल पॉइंट एजेंडा पे मैं इसके साथ हूं. एंड आई एम विलफुली इग्नोरिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ग्रैंडर गोल, फॉर द टाइम बीइंग आई एम इग्नोरिंग देम. ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि सही है यार, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इसको कहते हैं हम, राइट? और देखो, सबका नजरिया जरूरत है बॉस, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री, हाँ, कि मैं नजरिया जरूरत के तहत मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ. लेकिन ये ना मुझे आप बताएं कि ही इज सम काइंड ऑफ क्रूसेडर फॉर डेमोक्रेसी. हाँ, मतलब इतना उल्लू ना बनाए यार, ना अपने आप को, खासतौर पर अपने आप को नहीं. हाँ, बाकियों को उल्लू बनाना जायज है कभी, नो, नेवर बिलीव योर ओन बुलशिट मैन. नेवर ड्रिंक योर ओन कूल एड. वो कूल एड बाकियों के लिए है. आप औरों को अपनाएं. हाँ, आप
क्या सबसे ज्यादा आप कब ट्रबल में फंसे हैं या कुछ हुआ है क्लोज शेव? क्लोज शेव, वेल आई मीन व्हाट वाज वेरी अनप्लेजेंट वाज एंडिंग अप ऑन द लाल मस्जिद फेसबुक पेज एज अ ब्लास्फेमर. चलें वो तो काफी ज्यादा लोग, आप एटलीस्ट यू वर इन, आई वाज इन गुड कंपनी. या मैं कह रहा था कि मतलब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जा रहे हैं तो मैं बहुत नीचे हूँ, मैं बहुत नीचे हूँ. बहुत ज्यादा लोग थे, आई थिंक शीमा भी थी, काफी लोग थे, वो करते हाँ. रहते हैं. देयर आर अदर स्टफ बट आई मीन यू नो कांट रियली टॉक अबाउट इट. अभी तो आपने कहा था 100% नहीं, वो एक सवाल लीड द फिफ्थ कर दिया आपने. नहीं नहीं नहीं, उसी की कंटिन्यूएशन थी वो सवाल. नहीं, वो कंटिन्यूएशन नहीं थी. यू डिडंट हियर मी एग्जैक्टली. आई सेड यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई ऑनेस्टली. कंटिन्यूएशन थी सवाल. देखो द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स यार. आपको कहीं पहुंचना है तो हम आपका वक्त ज्यादा नहीं लेंगे. अनलेस श्योर नहीं, आपको इट्स अप टू यू. आप कहीं जाना नहीं था? क्या टाइम क्या हुआ? व्हाट्स इट? आई हैव टाइम. इफ यू वांट टू लाइक रैप अप यू कैन रैप अप. आई हैव टाइम. वी द पॉडकास्ट फॉर्मेट का ये फायदा है ना. okay. क्या लंबी लंबी बात. आई हैव टू टेक माय निकोटीन डोज. आई होप यू डोंट माइंड. आई थिंक यू कैन डू इट इफ यू डोंट लाइक. डू यू वांट टू डू इट ऑन कैमरा एज़ वेल? दैट्स आल्सो फाइन. आई डोंट केयर. तो फिर ठीक है, करें आप. I mean, it's not a good habit, but I used to smoke 2 packets a day, and now I'm not smoking those. So, but don't people say like vaping is even worse? Yeah, वो उसपे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है. यार ज़्यादा जो लोग मर रहे थे ना, they were dying because of these दो नंबर ऑफ ब्रांड, particularly a THC type vapes. You know, I mean, I don't understand why people put THC in their vapes. Just smoke the real thing. There's also that अब जो हम fake news की बातें कर रहे होते हैं कि बिग टोबैको की साजिश है कि जो ये वेप से मरे हैं. वो बिग टोबैको ने भी कोई कम बंदे तो नहीं मारे ना यार. तो ये हाँ. जो आप टिरनी ऑफ द प्रेजेंट की बात कर रहे थे, देयर वाज अ टाइम जब एड्स आते थे कि हाँ जी सिगरेट पिए, बच्चे पिए, सब पिए, जहाजों में पिए, आराम से पिए. 9 out of 10 doctors recommend camel. तो कल रात मैं एग्जोसिस्ट देख रहा था अपने बच्चों के साथ, यू नो, बिकॉज़ दे लाइक हॉरर मूवीज. तो वो डॉक्टर मतलब सिगरेट पी रहा है, यू नो. तो एंड इन फैक्ट देयर वाज दिस ग्रेट मार्लबोरो एड्स के लाइक, यू नो माय, इट वाज अ लिटिल बेबी. And he's saying that I love it when my father smokes Marlboro because it doesn't make me cough. यार शाबाश. मतलब सोचो. मुझे लगता है सोडा के बारे में ऐसा होगा. Maybe like I think 20 साल बाद लोग बोलेंगे ये कैसे ऐड आते थे. किस तरह लोग मतलब रेस्टोरेंट में सोडा पी रहे हैं. 5-5 साल के बच्चे. हमें तो बूट लेगर से मंगवाना पड़ता है. 2-3 साल ये बूट लेगर नहीं. But there'll be the consciousness. I think so. I think sugar is next. जिस तरह cigarettes exist. Everybody knows, जो वो कैंसर होंगे मुंह पे है, सब है. आप फिर भी पी नहीं आप हो ना. बच्चे भी पी नहीं. मैं बिल्कुल सही बात है. आई थिंक ये जो कार्बोनेटेड हाई शुगर ड्रिंक्स के साथ भी यही होना है. व्हिच इन फैक्ट इफ यू एवर सी जज ड्रेड. नहीं मैन. ओके जज ड्रेड कॉमिक बुक्स लाइक शुगर इज अ ड्रग, यू नो, वो शुगर डीलर्स के पास जा रहा होता है, उनको गोली मारता होता है. आई डोंट नो, ये अगर पब्लिक नॉलेज है, बट मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि ज़रार खुरो की एक ग्राफिक नॉवल आने वाली है. नहीं रियली? आपकी ग्राफिक नॉवल ही आने वाली है? अगर आ दी हो तो मुझे भी बताओ. आई वुड बी ग्रेट. आई वुड लव दैट. आप एस्कॉर्प कॉमिक्स के लिए एक लिख नहीं रहे? नहीं, आई एम नॉट राइटिंग इट. आई मीन ओके, बट स्टिल लाइक वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट. अच्छा, वो भी पब्लिक नॉवल. आई मीन नहीं, आई वुड लव टू. नहीं, कोई मसला नहीं है यार. अच्छा, अभी मतलब ये ऑफर नहीं आई, मतलब सही तरह. अभी वो हम क्या कहते हैं, पैसे नहीं, मनी ऑन द टेबल. नेगोशिएशंस हो रही हैं. नेगोशिएशंस, मनी ऑन द टेबल. आई वुड लव टू डू दैट, यू नो. आई मीन I'd love to do like a zombie outbreak in Karachi type story. Little like a PTR rally. But like, you know, with more cannibalism, I suppose. But aap chahte hain sab mar jayein, sab bas. I think kafi logon ko, it's almost like you're waiting for the end of the world. Yaar, I grew up on these movies, you see. Ye mera masla hai, okay? I mean, in the 80s, na, there was this big, like, apocalyptic movies were like a big thing. I mean, aajkal bhi hai, lekin un dinon mein bahut hoti thi. To maine itni dekhi hui hai. I think I'm perfectly prepared for an apocalypse. I mean, for different kinds of apocalypses. I think the easiest would be a zombie apocalypse. It's also this post-World War II, post-modernism, nihilism, existentialism, Beckett or Sartre. Your life philosophy. Se wo hai na yaar, wo hai, wo hai. Wo, you can't like. I can see you in Waiting for Godot. I don't know if you've ever experimented with theater. I can see you doing that play. Waiting for Godot? Yeah. Really, I found that play quite tedious. But that's the point. Life is tedious. Nee, but life is tedious, but I don't need to go to a theater to be reminded of that. You know? That's so I'm not a big fan of that school of thought. Maybe you didn't see a great production. I don't think I've seen a good production of it. Because it's a comedy play. Yeah. Sometimes the idea tragic comedy.
The idea is those are two clowns. Yeah. Yeah. Nahin, because again, nahin, because waiting for Godot, agar koi kare na, toh they have to be like absolutely on a level. Amateur production or waiting for Godot is like, ke matlab, you know, just kill me. Kill me right now. You know, I mean, just drain my lifeblood. You might as well wait for Godot. Haan, nahin, of course. I mean, Steve Martin's played it. Robin Williams has played it. John Goodman has played it. Ab ye honge na, toh, but the idea is they cast comic actors. That actually would be a great way they of they cast comic actors because they already have a comic timing. So yeah, they the know. The only thing I saw was an amateur college production of it. Literally, I wanted to pluck my eyes out. How does that play into being a father, right? So you also see, ke, are we building a better world for these? No, we're not. So then aap kya ke bas apna tribe somehow I protect karein. Try to teach them as best I can, yaar. You know, they'll make their own way, you know. And look, man, every generation thinks that the world is ending. Okay. You will find like Babylonian tablets talking about ke yaar, matlab dunya bahut kharab ho gayi hai. Haan, children don't listen to their parents, you know. Matlab kya, kis tarah ka mahol hai, yaar, hum kis tarah ki society ban gaye hain, jo matlab aapko har dusra banda hi bol raha hota hai. World hasn't ended yet. I don't think it will. I think it is the height of optimism to believe that the world will end. I think it'll just go on and on and on like this. So yehi to waiting for Godot hai. Yehi to hai ki hum bas wait karte rahenge. My point is ki I don't mujhe 1.5 ghante ka play nahi dekhne ki zarurat hai is cheez ko janne ke liye. Main pehle se janta hu. Isliye nahi play acha laga. Like ye to main hu. Ye to main apartment mein ye karta hu. Ye to mujhe khud pehle se pata hai yaar. Ye main pichli 5 tweets hi yahi hai. Godot ne nahi aana. Haan mujhe yahan pe matlab 2000 rupaye dene ki kya zarurat hai. Main ghar pe baith ke matlab video games na khel lu. You know. Mujhe pata hai Godot ne nahi aana aapko. Mujhe pata hi nahi aana. To but the thing is ki aapne aapko pata hai believe hai sab kuch hai but you still are like okay how do I prepare these children so that it can't be a laissez faire ki haan theek hai you'll make your own mistakes no right? you give them whatever tools you feel you can give so them. this almost this protective bubble parenting ki don't expose them and these liberal bubbles that you have ki yaar bas aap asli baatein na hi kare what's your take on I think you should tell them how things are and how they got to be the way they are. That's important. How does one do that? So like in case people are listening who... Depends on what we're talking about specifically, right? Lekin agar for example, koi agar political development hoti hai, uske baad unke sawal hai, unko background bhi dein unke baare mein na. And don't just feed it to them. Na. Give them the tools to be able to analyze and dissect a situation for themselves. You're not always going to be there. I think that's the massive problem with our education system. कि टूल्स कभी किसी चीज के नहीं मिलते हैं कोई सीन नहीं है ये है जो आपने पढ़ना है दे डोंट टीच यू हाउ टू थिंक दिस इज द प्रॉब्लम दे डोंट टीच एंड आई थिंक मे बी दैट्स बाय डिजाइन आई एग्री विद यू थिंकिंग स्टूडेंट्स कैन बी वेरी डेंजरस नो इंडिया को देख लो हम एक कोर्स पढ़ा रहे थे थिंकिंग स्किल्स बड़े एलीट स्कूल में पहले तो पेरेंट्स ने बोला ये क्या बकवास है फिर बच्चों ने बोला इसमें तो हमारे ए नहीं आएंगे आप हमें नोट्स दें ये फिर स्कूल को फोन आए कि क्या मजाक है कि क्या पढ़ा रहे हैं आप और अब जो टीचर्स के सारे लैपटॉप्स हैं वो स्कैन होंगे नहीं करो इतना इस लेवल का हाँ ये देखो बट देर राइट टू बी अफ्रेड ना अ थिंकिंग पॉपुलेशन इज वेरी डेंजरस पॉपुलेशन यार इसलिए तो थिएटर में भी ऑडियंस में आते हैं मेरे कॉमेडी शोज पे आते हैं अक्सर कभी कभी तो बोल कर आते हैं क्या करना बिस्मिल्ला नहीं इतना पैरानोया भी नहीं होना चाहिए ना यार इतना पैरानोया नहीं होना चाहिए इट डिफीट्स द पर्पस बात तो सही है ना आई मीन कॉमेडी थिएटर मीडिया इट्स पावरफुल दीज आर सबवर्सिव एजुकेशन दीज आर सबवर्सिव टूल्स और यहीं से शुरू होता है लाइक इवन इंडिया का भी जो इट्स अ वेरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लेड मूवमेंट एब्सोल्युटली एंड इट इज टेकिंग स्टीम And also the thing is na ke like I mean generally campuses tend to be left of center because like it or not the left does a better job of thinking than the right does you know as a general rule to make a very very broad generalization you know at least in the left you are taught ke you know other ideas are worth considering by left I don't mean matlab main hardcore maoist ki baat nahi kar raha yahan pe main political spectrum general terms mein baat kar raha hu so at least you have the ability to be able to appreciate another point of view look I mean what is the mark of an educated mind that you can entertain a thought
without necessarily agreeing to it. But you can entertain that thought. 10 log hain mere khayal se Pakistan mein educated hain standards se. Bana dena bhai, you know. But ye hai na, ye hai. You know, you'd be surprised yaar, pata hai. वैसे मजाक के अलावा ये मुझे पता है कि हमारी एक जनरल परसेप्शन है कि यार नहीं आवाम मतलब इस तरह नहीं सोचती यार. आई हैव मेट पीपल मतलब गांव में जो शायद मतलब दूसरी तीसरी जमात तक बड़े होंगे मैक्सिमम और वो भी मतलब यू नो वहाँ के स्कूल्स में एंड दे आर वाइजर देन एनी PhD आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ यू नो. सो देयर इज ऑल्सो दैट वियर्ड कॉन्ट्रडिक्शन going on. I think it's beyond like this education is beyond like social constructs or like paise aur ye wo mujhe ek qawali padhne wale mile the unhone aisi baatein ki I'm like yahi na matlab mujhe to 4-5 substance lage the ye sochne ke liye ye yeah exactly that wo this just how he was like hum to aise bade hue the like ha yahi na ye bhi hota hai na ye bhi hota hai. I also feel jo aadmi jitna अपने उसमें फ़न में कंफर्ट कंटेंट वो फिर किसी से भी बात कर सकता है. जो लड़ता है वो इनसिक्योर होता है. ये तो है, ये बिल्कुल है. एंड क्योंकि हमारे सारे ही फॉल्स प्रोफेशन में लोग इनसिक्योर हैं तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते कि यार टीचर दे डोंट नो शिट. दे डोंट नो शिट बियॉन्ड द बुक. सो इफ अ स्टूडेंट क्वेश्चंस द बुक एकदम खत्म डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक है ये. या हाँ नहीं एब्सोल्युटली राइट. Absolutely right. Whereas the if you actually meet good scholars, people who know, they'll be like, "Haan, baat karein." Yeah. Okay, like that's interesting. I never knew about that. Tell me more. You know. अगर पाकिस्तान टेलीविजन एंकर्स के जो एंकर्स के नहीं पॉलिटिशियन के भड्डे होते हैं, if I don't think 10 साल में किसी ने ये बोला होगा, oh sorry मुझे नहीं पता था ये मैं गलत हूँ मुझे बता दें. बहुत कम मैंने तो शायद हाँ आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन कोई हर्ज नहीं है यार. लुक आई मीन यू आर ह्यूमन यू नो एवरीथिंग. आल्सो दूसरी बात है कि टू बी कम्प्लीटली सिनिकल अबाउट इट इट्स ग्रेट स्ट्रेटजी इजंट इट. हाँ बिकॉज देखो अगर तुम्हारे से अगर मेरे से गलती होती है मैंने गलत खबर चला दी. अच्छा यूजुअली होता क्या है कि हम पी जाएंगे या हम डट जाएंगे कि नहीं मैं तो सही हूँ मैं सही हूँ. अगर बंदा थोड़ी सी दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाए और कहे कि यार बिल्कुल मेरे से गलती हुई है आई एम अ ब्लडी इडियट ओके आई एम सो सॉरी. छोटी सी गलती भी हो ठीक है तो 2-3 लोग आपको गाली देंगे लेकिन बाद में कहेंगे कि यार कम से कम बंदे ने मान तो लिया ना. प्रिंट जर्नलिज्म डज डू रिट्रैक्शंस. प्रिंट जर्नलिज्म डज डू रिट्रैक्शंस. वी टेंड नॉट टू इन टेलीविजन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो मतलब मैंने आपको देखा है फ्रेजाइल लिटिल ईगोस. एक दो दफा तो देखा है मैंने आपको क्या आपने बोला है पिछले शो में हमने ये किया था वो गलत था. एक तो वो डेंगू और पैनाडोल वाली चीज पे किया था मैंने वो गलती हो गई थी. एंड देन अ कपल अदर थिंग्स आल्सो बट देयर इज नो हार्म यार जस्ट इफ यू मेक एवरीबॉडी स्क्रूज अप यार. Yeah. Everybody screws up. If you screw up, just admit it. If there are limits to your knowledge, accept it, yaar. Agar hum akle kul hote, toh main abhi TV par kyun hi hota? I mean, wouldn't I be on my private plane flying around somewhere? But it's just how insecure we feel about it. Ki yaar, oh, maine agar ek step diya, toh bas. Abhi wo, I think Faisal Wadhwa was on Kashif's show and he said ki ye toh constitution mein, like, mujhe kaise pata? It's like, ye main abhi print kiya. Aapne print kiya na? Yeah, mujhe yaad hai. Haan. Asli constitution thodi hai. अब वो काशे सामने इज लाइक मैं क्या बोलूं मैं क्या ये तो आपने प्रिंट किया मैं कैसे मान लूं उसको. वो आगे उसकी शक्ल देख रहा है. वो काशे की शक्ल देखने वाली थी मतलब कि अब मैं क्या कह सकता हूं आपको. बट दिस व्हाट वी टॉकिंग अबाउट ये टेफ्लॉन है. हां सामने कॉन्स्टिट्यूशन मैं कैसे मान ये तो आपने प्रिंट किया. हां सोचो आप कुछ भी लिख के प्रिंट कर. क्लासिक है यार क्लासिक. आप कर लें यार गूगल में मानूं मैं ना मैं वैसे भी यहूदी हो गए या नहीं है पता नहीं. बट यही तो है कि दिस इन अ वर्ल्ड जब आप कुछ नहीं मान सकते तो फिर आप क्या मान सकते हो. फिर आप अपने बिलीव्स रखो अपने वो हमारे पास कैपेसिटी है नहीं टू क्रिटिकली बी लाइक ओके दिस साउंड्स रॉन्ग. देन यू जस्ट गो इन अ कैंप बी लाइक यार मैं PMLN के कैंप में हूँ. जो बोला सही है और जो उनके मुखालफिन ने बोला वो गलत है. हाँ क्योंकि वो तो बोल ही इससे दे रहे हैं. वो तो है ही झूठे. तो जब आपने ट्री ही पॉइजन कर दिया तो फिर जो सेब आएगा वो भी पॉइजन होगा. अमेरिका में कहते हैं लोग कि इफ़ यू आर नॉट अ लिबरल टिल यू आर 30 यू डोंट हैव अ हार्ट बट इफ यू आर नॉट अ कंजर्वेटिव आफ्टर यू आर 30 यू डोंट हैव अ माइंड. या द ओरिजिनल सेइंग इज इफ यू आर नॉट अ कम्युनिस्ट व्हेन यू आर 30 यू हैव नो हार्ट एंड इफ यू आर स्टिल अ कम्युनिस्ट आफ्टर 30 यू हैव नो हेड. तो ये आप एग्री करते हैं मुझे फील आ रहा है. नहीं नहीं आई डोंट अग्री विद दैट. देखो आई मीन अगेन ओके वन थिंग दैट आई हैव सीरियस इशू विद ये जो हम लोगों को डब्बों में डाल देते हैं. हाँ अच्छा तुम हो लेफ्टिस्ट तुम हो कंजर्वेटिव तुम हो रिएक्शनरी.
we are not ants ki ye worker drone hai ye matlab iska kaam hai ki queen ko saaf kare ha queen hai uska kaam hai ande dena specialization is for insects ha we are far more complicated than that theek hai I mean tum mere se poocho theek hai social issues pe main aapko left pe nazar aaunga अच्छा अगर आप नेशनल सिक्योरिटी माना चाहें तो मैं आपको राइट पर नजर आऊंगा तो आप मुझे किस डब्बे में डालना चाह रहे हो यू सी व्हाट आई एम सेइंग देयर आर सम इश्यूज इन विच आई कैन बी क्वाइट कंजर्वेटिव एंड देन देयर आर सर्टेन इश्यूज इन विच आई कैन बी इनक्रेडिबली लिबरल सो व्हाट डज दैट मीन नील ब्रेनन हैज अ ग्रेट बिट वेयर इज लाइक आई डोंट 100% अग्री विद समथिंग आई एम जस्ट सेइंग समथिंग आई एम लाइक दैट्स अ 60% या दैट्स अ 70% या फेयर इनफ बट वी लाइक टू डू दैट बिकॉज़ इट्स इजीियर It's easier to demonize that way. Mm-hmm. You know, it's easier to shout out to your little sad little tribe for, you know, affirmation and, you know, support. Huh? Mm-hmm. And that's how it is. Na? We've become very cliquish. As a government, so like US ne thoda bhi barbaad kar diya scene. But it worked. 8 saal aap karo, 8 saal hum karenge. It's just two camps. Hain. Wo, two-party system. Two-party system. Huh. Oh, I think America is more a plutocracy than a democracy, you know, frankly speaking. Because peeche jo chala rahe hain, those are largely corporate interests, in my opinion. Corporate interests, the deep state, you know, and theirs is the deepest of deep states. So, hum jo corruption, ek humne bana diya hai. Beech mein abhi jab hum Bahria Town ki baat kar rahe the, jab UK ne bola ki ye ji aapka paisa hai, ye aap wapis le lein. और वो डायरेक्ट मलिक रियाज के अकाउंट में गया था वो भी न्यूज़ नहीं चली थी नहीं वो चली थी बट वो कुछ दब गई एनालिसिस नहीं के कुछ नहीं कमी हुआ है तो आप 3 साल से आपकी पार्टी का नैरेटिव यही था कि फॉरेन पैसा वापस आएगा तो आ गया ना आ रहा है सीधा एक दूसरी गवर्नमेंट बोल रही है ये लो अपना फॉरेन पैसा ये तो आपकी कोई 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए थी इसके ऊपर ना बट वही है कि ये इतनी बड़ी न्यूज थी खत्म कोई टेंशन नहीं हेलो अमेजिंग गायब हो गई हेलो इज ग्रेट और फिर मैंने तो बड़े एंजॉयज लिए यार पूरे एंजॉयज लिए आपने एंजॉयज लिए एंजॉयज तो करप्शन हम करते रहते हैं सिंगल पॉइंट एजेंडा है हमारा यूएस गवर्नमेंट इज करप्ट बिग लॉबिंग सारी गवर्नमेंट लॉबिंग पे चलती है बट वर्क्स गेट्स डन ऑल्दो दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट करप्शन होना हाँ दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बट हर जगह होती है आई थिंक अगर यूएस में आप क्लासिकली रेलवे डेवलपमेंट भी देखें उसमें भी करप्शन थी नहीं बट लुको इट्स अगेन ह्यूमन नेचर है ना यार तो ये पॉइंट हमारे ये शायद इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हमने बना दिया है कि गवर्नमेंट आपने फारिग कर दी है इसकी बेसिस पर देखो इट्स अ इट्स अ इट्स अ गुड पॉलिटिकल टूल इट्स अ गुड पॉलिटिकल स्लोगन क्या कहते हैं इज इट द वन मेक और ब्रेक फैक्टर इन 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 अ कंट्री आई डोंट थिंक सो I don't think so. Not this is not a justification of corruption. No, absolutely okay, not. Absolutely. No, people take it as that. No, it's a thought. You support the corrupts. You know. मैं actually increasingly agree करता हूँ सड़क पे जो बंदा नहीं होता जो कहते हैं जो खाते हैं तो लगाते भी हैं. I'm like, he has a point. नहीं देखो यार, if you ask me, and I've gotten into trouble for saying this before, if you give me a choice between corrupt and incompetent, I would choose the corrupt. Provided there's a degree of competence, you see. खाते और खाएं और लगाएं भी. खाओ और लगाओ. पड़ी पूरी दुनिया. हमें ideally नहीं होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. Ideally नहीं होना चाहिए. But as they say ना कि like देखो you can't cure stupid. देखो corruption you can curtail with effective legislation, with effective regulation, with effective checks and balances. You can curtail it. You can't cure stupidity. And we don't have institutions strong enough to manage this. वो एक अलग बात. Trump भी manage हो रहा है. वो भी मतलब कमोपेश ही manage हो रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं manage हो रहा है. फिर भी अगर उनके institutions इससे weak होते. नहीं फिर तो गैस game over था. फिर तो मुल्क ही खत्म था. फिर तो scene ही नहीं है. So yeah, I mean we don't have those institutions, but that's why I was saying ना कि theoretically it can be managed. Yeah. You know, in some cases you can even institutionalize it. coming off 10 years of Musharraf. Yeah. तो
credit. I do give him some credit. Not that I like him as a man or I support the party. You don't have to. Yeah. Again, you know, you don't have to like a person as a person. Yeah. You can like perhaps the job they've done, yeah, or you can have a realistic idea of the kind of challenges they faced. I mean, zaruri to nahi hai na yaar. So, yeah, you know? Even with PMLN, meri ek fundamental dislike hai. Which maybe शायद PPP में इतनी नहीं है जो एटलीस्ट आपको पता तो है ना कि फंडामेंटल डिसलाइक है सही है और वो भी मतलब कोई मुझे कुछ ऐसे नहीं है कि मेरी कोई जट और अनाई का मसला है आई जस्ट देयर एसोसिएशन विद सपाई साहब और द सर्टेन ओपिनियंस ऑफ लाइक जिस तरह अगर आपके उनका जो थोड़े से राइटिस्ट मेंटालिटी अगर आप अभी आके ना अगर आपके लाइक ओके सो लाइक फॉर इंस्टेंस मेरी अभी जो मॉरल कंपस सोफिस्ट खैर एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो परेशानी हो गया था जब राणा सनाउल्लाह अरेस्ट हुए थे But I was like, I get it. ये political arrest है. But can I support Rana Sanaullah? क्या करूँ मैं? वही मसला है ना? कि ये वो आदमी है जिस पर जब किसी PMLN के minister की बेटे ने किसी खातून का murder कर दिया था एक apartment में, and he was like, ये तो पैसों की बात हुई थी. पैसों की बात आगे पीछे हो गई थी. And then वो case पूरा गायब हो गया था, दब गया था, and I mean like your अब मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं और ये पता है सिर्फ आपका मसला नहीं था ये बहुत लोगों का मसला था और ये आदमी सिपाही साहब क्या खड़े हुए रैली कर रहे बट आई गेट दिस इज अ पॉलिटिकल अरेस्ट या या एग्जैक्टली आई गेट दिस इज पॉलिटिकल विक्टिमाइज अब क्या करूँ मैं देखो स्टैंड बाय राणा सनाउल्लाह एग्जैक्ट सिचुएशन मेरे साथ भी यही हुई कि मैं गया हुआ था कनाडा हाँ वहाँ पे मतलब सिटिंग विद सम एक्सपैट कैनेडियन पाकिस्तानीज यू नो तो वो टिपिकल वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हुई तो राणा सनाउल्लाह की बात शुरू हुई तो एक बंदा मेरे से पूछने लग गया कि यू नो क्या लग रहा है आपको मैंने कहा कि यार ट्रम्प्ड अप केस लग रहा है मैं आई डोंट बाय इट यू नो और उस वक्त तक काफ़ी चीज डिटेल्स भी आ गई आपको नहीं पता था वीडियो और फुटेज में नहीं नहीं वो नहीं उस वक्त तक नहीं पता उस वक्त तक नहीं पता था उस वक्त नहीं पता था वीडियो और फुटेज अलग हाँ ये उससे पहले की बात है लेकिन फिर भी कुछ वो कड़ियाँ जुड़ नहीं रही थी ना यार तो आप बताया यार ये लग रहा है तो इस लाइक तो फिर आप सपोर्ट करते हैं राणा सनाउल्लाह को मैंने कहा नहीं बॉस देखो मैं कह रहा हूँ कि ये जो केस है ना यार ये फिल्मजी है और जो आप चाह रहे हैं ना वो भी नहीं होने वाला मैंने कहा क्योंकि इसने इवेंचुअली बरी हो जाना है और फिर इसने हीरो बन जाना है मैंने कहा तो आपकी ही लोगों ने इसको उसी पोजीशन में डाला है कि लोग मजबूर हो जाएं इसकी सपोर्ट करने के लिए सो एक्चुअली यू नो द जोक्स ऑन यू मैन क्या केस क्या था कोई 20 किलोग्राम कोकेन है इनके पास ऐसा ही कुछ था मुझे क्या कर रहे थे वो 20 याद नहीं आई मीन सड़क सड़क जाके बेचते हैं जब मैं यही कह रहा था कि वो पुड़िया बना के क्या मतलब कह रहा है कि यार यू नो जैसे कि मतलब यू नो कि अच्छा मैं पहुंच गया हूं ये लो या तो वो बूट लेकर 20 किलोग्राम कोकेन लेके वो बंदा कर क्या रहा था नहीं और दूसरी बात है यार कि मतलब क्या पाब्लो एस्कोबार खुद तो नहीं घूम रहा होता था ना यार हाँ हाँ कि यार ये मतलब ये 50 पेसोस फॉर अ लाइन यू नो आई मीन इट वाजंट लाइक दैट आई एम श्योर समबडी मेड अ नार्कोस राणा देखो यार मतलब वो मतलब पागल हुए हुए थे और हम उनको मीम्स भेज रहे हैं यार ये लो यू नो होना बंदे को ऐसे ही होना चाहिए टी इज फैंटास्टिक इट्स बिकम आवर लाइक नेशनल लेक्सिकॉन एट दिस पॉइंट एड्स में आ रहा है आई एम अ लिटिल टायर्ड ऑफ इट नाउ आई एम आल्सो आई थिंक वो लाइक यू नो कहते हैं टू मच ऑफ अ गुड थिंग थोड़ा सा आई नेवर लाइक्ड इट हां आई नेवर लाइक्ड इट टी इज फैंटास्टिक वाला हां वेल चलो सही था इट्स इट वाज ओके फॉर अ व्हाइल बट आई मीन ओवरऑल स्टिल अ मीम गेम इफ देयर वर लाइक अ मीम ओलंपिक्स आई मीन क्रिकेट इज वेयर आई फॉरगेट मेरी सारी जो मैं लिबरल और एजुकेटेड और मतलब माइल्ड आपका अंदर का वो कबाइली निकल आता है हाँ पैसे दिए हैं इस लेवल पे वेर जो वो सचिन के इफ यू रिमेम्बर मोहाली का जो सेमीफाइनल था वेर सचिन साहब LBW हो ही नहीं रहे थे आई वाज लाइक ये मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म व्हिच आई शुड नॉट हैव मतलब मेरे पर्सनल पब्लिक पैसे दिए बिजी से आएगा इतना एम्पायर बेकार है उस वक्त जायज है उस वक्त जायज सो लाइक स्टफ लाइक कोहली तो उससे नहीं होगा चेस स्टफ वो जो आप कह रहे हैं ह्यूमन नेचर यही है दे फाउंड वेज राइट NFL जाओ
nangyo chillao pagal ho jao matlab crazy maybe get drunk and like beat up like Europe mein kya hota hai football hooliganism heavy scene. Mar jate hain log mar jate hain literally mar jate and there are groups who decide kaise tum Juventus fan ho hum Napoli fans hai idhar milenge ladenge ha आपको पता है क्या है स्ट्रीट फाइट मतलब व्हाट्सएप पे वो कोऑर्डिनेट हो रही होती है हाउएवर जो भी उनके फोरम्स है करने के लिए जाएंगे बड़े मजे आएंगे कुट लगाएंगे दूसरे या एंड यू गेट दैट कैथार्सिस आउट अभी मैं देख रहा था आई थिंक इट्स अ गुड मॉडल वैसे इट्स अ बेटर मॉडल देन वॉर आई थिंक सो आपने भी आई थिंक वी शुड हैव अ पर्ज टाइप इवेंट लाइक वंस इन अ व्हाइल आप तो बस चाहते हैं सब सब ना मतलब मर जाएं कि मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए उसकी लाइक फुटेज की मुझे लगता है अगर कोई वेस्ट वर्ल्ड होता है ना आप जाते अक्सर आप वो होते जो वेस्ट वर्ल्ड में रह के भूल जाते हैं कंफ्यूज भी हो गया था मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज मुझे समझ नहीं आया ये पता यही होता है कि जब मतलब पहला सीजन आपका इतना टाइट गुजरे ना देन यू आर लाइक यू आर अंडर द शैडो ऑफ इट ना एंथनी हॉपकिंस आल्सो held it together Anthony Hopkins did hold it together but third mein yaar second mein just too many things and Dolores really annoys me yeah I'm sorry but like you know first season mein she was bearable but when she turned into like you know Terminator Queen wo mujhe samajh nahi aaya I like the other one the black girl who is she's cool She's but ab jo season 3 lekin wo bhi over ho gaya tha yaar I mean wo bhi matlab she's just commanding all the robots and but like you believed her you had like I preferred her storyline to Dolores' story Dolores you're like ye kya hai yaar it switch ho gaya almost no maza nahi aaya third to apparently is just with some futuristic Aaron Paul is in it wo bilkul hi ab chhod diya unhone wo ab they gone years later now I think they're going sort of Battlestar Galactica Like with the Cylons, you know, robots masquerading. I don't know, man. I'm not excited about it. AI pe aapki kya theory hai? Kahan ja rahe hum? AI, what's the future of AI? Yeah, I'm no expert, but it's definitely. I think at least it's going to be one of the defining paradigms of the coming century. Definitely. Will we have that switch where they take over? Not take over, but that consciousness development. The singularity. Yes. That they refer to. Yeah, I think so. I think what you're going to see is you're going to see a further stratification of human society because you're going to have a group of people, at the top, capable of using tech, brain chips, mind-machine interface, organ replacement to almost become a separate species of humanity. And so what you're saying is once this technology exists, uske gatekeepers bhi aa jayenge and that's not going to be... Of course aayenge. I mean, you are going to have a certain amount of people being able to manipulate electronics and online devices using a chip in their brains, and you're going to find a lot of people who are. Elon Musk is already working on that. The Neuralink. Yeah. There's so much more going on. So you are. I think you're going to be. Not to be too dystopian about it, but I think you are going to be looking at. I mean, various people have written on this also. But there's also the dystopian element of technology. Also, things like China, where your social scores are. Oh yeah, that's beautiful, isn't it? I mean, it's like beautiful, guys. It's beautiful. It's like beautiful. Black Mirror came to life. Yeah. It is. It is. It's fascinating. To the extent that, the next generation will not. Or will look at privacy as like an extreme privilege. I think that they're already doing that, aren't they? Khatam hai. Tum ye dekho na. I mean, so many people out here, right? I mean, if they just have a bad end to a relationship, they will dump all the private chats onto social media. Ye jo ek what the heck are you thinking? Jo immediate likes ki ek bhook hai na. Toh wohi hai na. Wohi hai na. Imagine me as your XYZ. Huh? What's on your mind? और अपनी कोई तस्वीर पोस्ट की हुई है इट्स आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज व्हाट दैट्स गोइंग टू एंड अप एज बिकॉज़ इट्स कूल व्हेन यू आर 16 17 मैन ट्रस्ट मी वन डे यू आर गोना बी 35 यू आर गोना बी 40 दैट शिट इज स्टिल गोना बी आउट देयर यू रियली वांट दैट मिया खलीफा वेंट ऑन आई थिंक बीबीसी एंड वाज लाइक आई नाउ लिव अ डिफरेंट लाइफ एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट क्या कैसे हो सकता है देखो मियां खलीफा तो चलो यार दैट वाज हर जॉब ओके दैट्स डिफरेंट माय पॉइंट इज के व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग टू पोजेस यू टू डंप एवरी ग्राफिक डिटेल ऑफ योर आई एम नॉट सेइंग अ क्राई फॉर हेल्प दैट्स डिफरेंट आई वाज अटैक्ड एंड ये वो एक अलग गेम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा बट लाइक आई वाज टेक्स्टिंग
get people just dump it all. People dump it all. Why on earth would you do that to yourself, man? I to even tell young people, don't even take it, even for yourself. Don't, man. Because even if you don't send it, if it's on your phone, it's somewhere. No, it's somewhere else. Rabi Pirzada ke saath kya hua? Rabi Pirzada hi thi na? Haan. Uske saath bhi to yehi hua na yaar. Ki unke phone pe tha. Unke phone pe tha. Jo wo fappening hua tha, agar aapko yaad hai. Wo bhi yaad hai. Jo sare Hollywood celebrities, wo phone hack the. Phone hack the. Sare phone hack the. So, even if phone hack nahi ho rahe, a few years back, US mein tha where the Samsung accepted ki hum our televisions record karte hain kabhi kabhi. Bilkul. Yaar, mujhe baat batao. If you say, what is it? Hello, Alexa? Yeah. So, Alexa is bloody listening for you to be able to say hello, Alexa, right? Yeah. You know? So, I mean, you know, you have to, I mean, there is a trade-off, right? I mean, our private lives are not really private, okay? You know, our data is not secure. But there's no need to make yourself more insecure than you already are. Aapne Unabomber Manifesto padhe? Most of it. Mujhe lagta hai aap agree karenge uski baaton se. Haan, I may not agree with his methods. Had he not bombed. Had he not bombed. Baatein uski sahi hai. Haan. I always found him overrated. Waise. Eulogized ho jata hai na. Ke cabin mein reh raha hai, Minnesota mein. Technology ke against hai. Ye kya, ek dozen log bhi nahi maare usne yaar. To wo, main wohi to keh raha, agar wo bomb na kare. Uski forecast to sahi hai. Baat uski galat nahi hai. So maybe jo hum counter culture ki baat kar rahe the. But you can't stop it also. But you can stop your partaking in it, na? Even that is difficult. Main agar jaun malam jabba ek apna hut bana lun rehna shuru kaun kar sakta hai yaar aisa. I think ye cheezein badhna shuru ho jayengi. You think so, na? I think so. Opting out. Yeah. Just and because wo phir ek catch all opting out. I don't think you can live and opt out. Yaar acha mushkil hai. China oh, how the hell are you going China to do it? Everything is CCTV. Every single thing. Every single thing. To the China, ki aapne baat ki na, to they did this experiment with a BBC ka reporter. And they told him, ke, yaar, abcha, hum Beijing mein ho, tum chup jao. And we'll find you. And they found him in like, I think, 6 minutes. Vice ki, abhi, I think, ek do hafte pehle aayi thi, where apartment buildings, ab aap shakal se jaate hain, the bahar. Yeah. They have garbage bins that operate like that. Facial recognition garbage bin. So they know ke tumne matlab kya kachra recycle kiya hi nahi kiya tumne. Aur agar nahi kiya to phir tumhara social score niche ho jayega. To bataein phir. To aisi agar aap paida hue hain aisi duniya mein to opt out ka to option nahi hai. Seen hi nahi hai. Acha because agar aap paida hue hain is duniya mein to aapko opt out karne ka aap sochenge bhi nahi because this is the world you were born into. I mean you can decide one day but then the opt out is you take your life. Yahi hai. That's it. Opt out is literally. Literally matlab game over. That's your opt out. Literally game over. Literally, you can't. It is very dangerous. I think the more we're being taken away, main bhi buddha sound kar raha hu. You know, like, chale Marx ne to labor ke usme kaha tha ke the labor of your own hands. But generally, bhi ke yaar, acha khana, rehna, if everything is just AI, you're somehow becoming less human. Haan, or a different kind of human. Ye bhi to socho na. But wo. We grounding chali jati. So like even with social media, right? The constant tick, 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 tick. That's not how our brains are wired. Maybe evolution mein eventually brains develop kar lega. But hum log jo hain, hum toh anxiety, stress deke apne aapko tabah kar rahe hain. Now it'll be interesting to see where this goes in like 100 and 150 years. It could go the other way as well. It could go in any direction. I mean, just say for example, you know, like the MTV generation, you know, that came up with like the 80s or whatever, right? Because MTV like used to insert so many more frames per second, right? Older generations couldn't follow them. But the wiring, the optic and neurological wiring of the MTV generation enabled them to do that. So that caused an actual evolutionary change, right? That's fascinating, right? So you know, maybe I want to see where that goes. It will happen with the next generation with screens. Absolutely. Yeah, yeah, exactly. Because abhi to, jo screens hain, they screw up children's brains and eyes. Yeah. They're not. Brains, eyes, attention spans. Sab kuch. Right? Yeah. But it'll be interesting to see where that goes. Yeah. Sir, bahut sad realities. But social media pe jo humne cigarettes ki baat ki thi, I do think we might be living in the worst time of social media. Ho sakta hai. Ho sakta hai. Ki people are like, wait, what? Sab Facebook pe is tarah the, ye the. At least people will be a lot more conscious of their curb. So this kids being raised on iPads. I hope you're right. But personally, I always think that things can and do get worse.
Yeah, maybe like if they move out of the screen format where it's just, I don't think VR is that close. No, itna bhi nahi. Thoda time hai usme abhi. But maybe like holographic technology or something. I don't know. I don't know where we're headed. I would get a brain chip. I would be the Unabomber. I would opt out. Yeah, I'm an opt-outer. Yeah. Increasingly, I'm there. Where I'm not like, अच्छा ठीक है World War III आ जाए. Like यार अपनी community बनाओ, अपने कुछ लोग हों. Like, I could very well in a few years live on a farm. Like a commune. Like even for instance Dave Chappelle does these world tours and lives on a farm in Ohio. अपने जानवर हैं, tractor हैं. ये सही है यार, ये ऐसा ये game. I could deal with that. A little bit of both worlds. आप अपना show करें एक घंटा. काम करना है तो घुस जाओ और फिर जब chill करना है तो मतलब But you need that disconnect. जो आप भी बीच में कह रहे थे मैं social media break ले देता हूँ. Lot of the generation is stuck and is just up, if you're constantly going back to that, कि oh, this is how I'll get my kicks. So like if I write something against Zarrar and I get 6 likes and that becomes your drug. If that becomes your drug, it is a drug. You're fucked. Yeah, you're fucked. You have fucked yourself. You totally fucked yourself. And then your internal wiring becomes your wiring. Because you're relying on that. They don't even know who you are, what your beliefs are. That retweet is your cocaine line, basically, boss. 100%. And that tomorrow, if someone else gives you a compliment, And I don't think that's a very good analogy, वैसे. It is. No, I like don't think analogy. People see that. Nahin, I don't think they do. I don't think they see that. I don't think they do. Achha, by the way, interestingly, you started talking about fake news, right? Jee? Do you know that fake news is actually addictive? Like, I was reading an actual survey. Mm-hmm. In fact, just what you just said right now reminded me of it. Iske because when you find a piece of news that confirms... Agrees with your worldview. You get a dopamine hit. Yeah. Right? Yeah. That becomes your drug. Aap dekhen, meri ek dost hai, she was arguing ke naashte ke baad brush karna chahiye. I'm like, what? Naashte se pehle brush karna chahiye. She's like, nahin. Naashte se pehle jo log karte hain, galat karte hain. Kuch naashte ke baad ke I'm like, no, but when you wake up, whatever... I googled, should you brush before breakfast? Sorry, she googled, should you brush after breakfast? Dono ka complete evidence hai. Sab kuch hai. Ye cheez. Just fact ke humne dono ne search kaise phrase ki bhi thi. Yeah. And both of us absolutely couldn't conclude right. 100, anything. 100%. I'm team brush after breakfast. Man. Really? Yeah, man. But wo jab subah aap uthte hain, you have like... Dillard plaque and all of that. Yeah, but I have breakfast night. Like immediately, like after I get up, na yaar. But you're just putting bacteria on bacteria. But these are my bacteria. They don't have to be bad bacteria. I mean, maybe they'll help me digest my food. Who knows? Main Google karke check karta. My dentist said brush before breakfast. Kaun sa? Arifal bhi. Nahin, I mean, he's a good dentist. I'm going to look into this. I like ek kisi ko sad meme banani chahiye. Wo. Arif Alvi tweets dekh rahe hain aur piche pad rahe hain the day is lost is like Mike Pompeo spoke to the Afghan president and General Bajwa and Arif Alvi is like wo to Pakistan cricket ka fan nahi hai ha wo wala wo famous wala okay famous wala Afghan president and General Bajwa about regional security. Thank you so much sir for coming. Would love to have you back here again, so please sir jab bhi aapke paas waqt ho aiyega. Thank you so much for coming. Thank you everybody for listening. Take care, bye bye.